अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम शहरयार खान एंड टुडे हमजा वसीम इज़ हेयर विद अस टू टॉक अबाउट इंटरप्रिटेशंस ऑफ क्वांटम फिजिक्स एंड व्हाट द वियर्डनेस ऑफ क्वांटम फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट. सो हमजा वसीम डिड इज PhD फ्रॉम आई डिड द सेम मिस्टेक इन इज प्रीवियस लेक्चर. इज करेंटली डूइंग इज PhD, इज अबाउट टू फिनिश फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इज डूइंग इज PhD इन फिजिक्स फ्रॉम देयर. He first of all did his bachelor's in electrical engineering from UET Lahore, after which he got a Rhodes scholarship to study at Oxford. And at Oxford he is his research is in quantum foundations, linguistics and interpretations of quantum physics. So today he'll be talking to us about the double slit experiment and how we can interpret the double slit experiment through different interpretations. Before starting the lecture, I would ask you all to please put your mobile phones on silent so that there are no interruptions. And if you want to ask any questions, just raise your hand. We will get the mic to you and then only speak in the mic, okay? So that online audience can hear you as well. So let's welcome Hamza Wasim. Thank you very much. Slides, please. On kar dein. Achha, so this is going to be a very interactive talk, aur ye talk aage hi tabhi badhegi jab aap log participate karenge. And I hope ke everyone is going to find something surprising in this talk or something problematic. Aur ho sakta hai meri communication mein kuch problematic ho, lekin I'm hoping ke jo content hai usme bhi aapko kuch koi cheez tang karegi ya problematic lagegi, and it may keep you up for a few nights. तो प्लीज पार्टिसिपेट एंड पार्टिसिपेट एट योर ओन रिस्क. तो पहले मैं जो मेरी सैटरडे की टॉक थी उस पर मैं थोड़ा सा रिकैप देना चाहूँगा, और जस्ट टू गिव यू सम मोटिवेशन दैट व्हाई वी नीड टू मेक सेंस ऑफ क्वांटम थ्योरी. तो जो परसों की टॉक थी उसमें हमने बात की थी पिछले साल के नोबेल प्राइज़ पे, जो कि तीन एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट को मिला, एलेन एस्पेक्ट, जॉन क्लाउजर, एंटन ज़ाइलिंगर, और एंटेंगल्ड फोटॉन्स के साथ उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उससे कुछ इनइक्वालिटीज़ को वायलेट किया. अभी मैं टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, प्लीज़ परेशान ना हुए, क्योंकि ये वाली जो दिस इज़ जस्ट टू मोटिवेट, आगे हम बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पर बात करेंगे. तो इनका ये एक्सपेरिमेंट्स थे बेल इनइक्वालिटीज़ के, उनको वायलेट किया और प्रूव किया कि एंटेंगलमेंट है और उसकी वजह से कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं. बट ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इस टॉक के लिए. टॉक के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि नोबेल प्राइज़ की जो प्रेस रिलीज थी उसमें भी कंसेप्चुअल मिस्टेक्स थी, और हम उन्हीं कंसेप्चुअल मिस्टेक्स की जो रूट कॉज है उस पर आज बात करेंगे कि क्या वजह है कि नोबेल कमेटी ने भी उस पर मिस्टेक की, और क्यों ये इतनी कॉन्ट्रोवर्शल इसकी एक्सप्लेनेशन है. तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं नोबेल प्राइज़ की प्रेस रिलीज से, और बस मैं आपको दिस इज़ जस्ट अ रीकैप, मैं आपको ये बताऊंगा कि कहाँ गलती थी. तो प्रेस रिलीज़ कुछ इस तरह से चलती है. पहले जाहिर है दो पार्टिकल्स हैं आपके पास, दे कुड बी फोटॉन्स, दे कुड बी इलेक्ट्रॉन्स, और उनकी आपस में एंटेंगलमेंट है, दे आर सम हाउ रिलेटेड, और उनको आप जितना मर्जी दूर ले जाएँ तो एक के ऊपर आप जो मेजरमेंट करते हैं या उसकी पोलराइजेशन मालूम करने की कोशिश करते हैं तो दूसरे की पोलराइजेशन जो है उस पे फ़र्क, उसकी मेजरमेंट होने वाली मेजरमेंट पे फ़र्क पड़ जाता है. तो वो यही स्टोरी प्रेस रिलीज में चल रही थी, उसका मैंने जो प्रॉब्लमेटिक पैसेज था वो उठाया. फॉर अ लॉन्ग टाइम द क्वेश्चन वॉज वेदर द कोरिलेशन वॉज कोरिलेशन जो कि वो एंटेंगलमेंट की वजह से कनेक्शन है वॉज बिकॉज द पार्टिकल्स इन एन एंटेंगल्ड पेयर कंटेन हिडन वेरिएबल्स. तो आइंस्टाइन के टाइम से 1935 से एटलीस्ट ये लगता था कि कुछ हिडन वेरिएबल्स हैं जो कि क्वांटम थ्योरी का हिस्सा नहीं है, और जिसकी वजह से क्वांटम थ्योरी जो है वो इनकम्प्लीट है, इट इज़ नॉट अ कम्प्लीट थ्योरी. कुछ ऐसे वेरिएबल्स हो सकते हैं जो हमें इसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे टू हैव अ कम्प्लीट थ्योरी. 1960s में जॉन बेल ने एक मैथमेटिकल इनइक्वालिटी निकाली, जो बेसिकली आइडिया ये था कि अगर हिडन वेरिएबल्स हैं और वो लोकल हैं, यानी एक पार्टिकल का जो एडिशनल वेरिएबल है वो दूसरे पार्टिकल को इफेक्ट नहीं कर सकता, इसको लोकेलिटी कहते हैं. तो लोकल हिडन वेरिएबल्स हैं
तो वो एक मैथमेटिकल रेंज के अंदर लाई करेंगी, कुछ उनकी जो कोरिलेशंस हैं वो एक ख़ास रेंज में लाई करेंगी। तो अब क्योंकि उसमें नंबर्स आ गए तो वो जो इशू था वो टेस्टेबल हो गया। उसकी बेसिस पे फिर अच्छा ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, दिस स्टेट्स दैट इफ़ देर आर हिडन वेरिएबल्स द कोरिलेशन बिटवीन द रिजल्ट्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स विल नेवर एक्सीड अ सर्टेन वैल्यू। तो एक लिमिट आ गई। हाउएवर अब ये जो लिमिट थी ये क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो इसको वायलेट करती है, ये हमें थ्योरी से भी पता है। क्वांटम मैकेनिक्स प्रेडिक्ट्स दैट अ सर्टेन टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट विल वायलेट बेल्स इनइक्वालिटी दस रिजल्टिंग इन अ स्ट्रॉन्गर कोरिलेशन देन वुड अदरवाइज बी पॉसिबल। अब बज़ाहिर ये पूरी बात जो है ये बिल्कुल ठीक लग रही है, ज़्यादातर टेक्स्ट बुक्स में भी इस तरह लिखी होती है, लेकिन यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो कि ये है, तमाम हिडन वेरिएबल्स जो हैं वो रूल आउट नहीं होते। देर कुड बी हिडन वेरिएबल्स दैट आर नॉन लोकल, और उसकी मिसाल जो है वो बोमियन मैकेनिक्स या पायलट वेव थियरी है। अभी मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो जब हम इस टॉक में आगे चलेंगे तो आई विल एक्सप्लेन दैट, ठीक है। तो ये एक बड़ी क्लियर मिस्टेक है नोबेल प्राइज़ की प्रेस रिलीज में, जो कि विच इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक इन द फिज़िक्स कम्युनिटी। आई मीन आई बीन टू कॉन्फ्रेंसेज, आई टॉक टू पीपल, तो बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मिस्टेक करते हैं, और इसमें उसकी कई वजूहत हैं, कुछ सोशोलॉजिकल रीजनस हैं, कुछ टेक्स्ट बुक्स में मसला है, लेकिन ये बात जो थी ये पिछली टॉक में हमने बहुत तफसील से कर ली, तो मैं इस पर और बात नहीं करूँगा। तो उसी सवाल की तरफ कि क्वांटम थ्योरी को 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं अगर आप 1900 या 1899 से काउंट करना शुरू करें, तो क्या ज़रूरत है हमें इसकी सेंस बनाने की, और क्या मतलब व्हाई डिड वी फेल एट मेकिंग सेंस ऑफ क्वांटम थ्योरी। एक रीज़न आपने उसकी डिपिक्शन देख ली कि जो नोबेल कमेटी है दे ऑल्सो, इवन दो द प्राइज वॉज जस्टिफाइड, द प्राइज वॉज ओवरड्यू, लेकिन वो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी वो उसमें वो नुआंस मिसिंग था। और बाय द वे मुझे ये इस नोबेल प्राइज़ को एक साल से ज़्यादा हो गया, मुझे लग रहा था वो प्रेस रिलीज अपडेट कर देंगे क्योंकि काफ़ी बैकलैश भी आया था, लेकिन वो अभी भी वही है। ये अगर आप आज भी उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो यही गलती हुई भी है। उप्स, ठीक है। तो अच्छा, इस गलती को हम माफ़ कर देते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि उन्होंने एक टाइपो कर दिया, जो कॉपी एडिटर था उसने एक वर्ड मिस कर दिया। उसके बावजूद भी इसमें और इश्यूज़ हैं जो कि जिसकी वजह से ये अभी भी एक हीटेड डिबेट है, अभी भी इस पर कॉन्फ्रेंस होती है क्वांटम मैकेनिक्स को कंप्लीट करने के लिए या क्वांटम मैकेनिक्स की को रिक्रिएट करने के लिए। तो टू मंथ्स अगो आई वॉज एट अ कॉन्फ्रेंस इन ऑस्ट्रिया, तो वहाँ पर 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी इसी टॉपिक पर कि क्वांटम मैकेनिक्स की जो है सेंस बनाई जाए, और 3 दिन के बाद भी कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट आई लर्न समथिंग। तो अब मैं ये स्लाइड्स ऑफ कर दूंगा। सॉरी। अच्छा, अब हम जो हमारा फेवरेट, जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं वो सिंगल स्लेट और डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट उन्होंने देखा होगा। आप में से कुछ लोग अगर हाई स्कूल में हैं या मैट्रिक में भी, मेरा ख्याल है होता है। अच्छा, डबल स्लेट या सिंगल स्लेट एक्सपेरिमेंट का किसने सुना है, प्लीज़ हाथ खड़ा करें। ओके, दिस इज़ आई डोंट नो, मे बी 60% ऑफ पीपल, और ठीक है, नॉट बैड, बट आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग होपफुली एट द कॉन्सेप्चुअल लेवल। तो अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट बाय द वे ये पहली दफ़ा 1800s में प्रपोज किया था थॉमस यंग ने, लाइट की जो है वेव नेचर शो करने के लिए। उस ज़माने में डिबेट हो रही थी, न्यूटन जो है वैसे उसका बहुत काम है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन उसको लगता था कि लाइट जो है ना वो पार्टिकल्स की तरह है, वो कॉर्पसल्स का वर्ड यूज़ किया। और दूसरी तरफ ग्रुप था जो कि मेरे ख्याल मेजॉरिटी में था कि लाइट जो है वो वेव है। और अब हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेहतर है कि लाइट वेव, मतलब कुछ मामलों में वेव लगती है कुछ में नहीं लगती, वो हम इसमें देखेंगे, लेकिन अभी भी ये इसका कोई बहुत क्लियर जवाब नहीं है कि वेव है या पार्टिकल है या कुछ और है। तो अब मैं ये सिंगल स्लेट और डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट को यहाँ इसको मैं एक सेटिंग आपके सामने रखूँगा, फिर आई विल नीड योर हेल्प कि स्क्रीन पर हमें क्या नज़र आएगा, और फिर पहले तो हम सिर्फ ये बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंटली क्या नज़र आना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे आई होप कि ज़्यादातर आप यू विल गेट इट राइट इफ यूजिंग योर इंट्यूशन। कहीं कहीं पे हमें अजीब से आंसर्स मिलेंगे, फिर हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे।
और वो एक्सप्लेनेशंस में फिर हम देखेंगे क्या डिफरेंस है। तो एक्सपेरिमेंट ऐसे है कि एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से मुराद इस तरह का बल्ब हो सकता है या टॉर्च आप ले लें। उसके सामने एक दीवार है और दीवार में हमने एक स्लिट बना दी है, ठीक है। तो इसको मैं, क्योंकि हमें ये ज़रा टू डायमेंशनल डायग्राम है, तो आप समझ लें ये दीवार है, ये इसके बीच में जो मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है थोड़ी थिक सी, ये इसमें स्लिट है, ठीक है। तो स्लिट यानी आप समझ लें कि एक दीवार से दो दीवार बन गई हैं, स्प्लिट हो गई हैं। अच्छा, ये लाइट सोर्स ऑन कर दी है, सामने हमने एक स्क्रीन रख दी है। अब यही सेटिंग हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा हम स्लिट्स को चेंज करेंगे, स्लिट का नंबर या यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा हम एलिमेंट्स रखेंगे, और फिर मैं आपसे पूछूंगा या आपकी मदद लूँगा कि स्क्रीन पे क्या नज़र आना चाहिए। अब याद रहे ये स्क्रीन भी जो है ये दिस इज़ टू डायमेंशनल स्क्रीन, राइट। तो यहाँ पे मैं जो डायग्राम बनाऊँगा वो आपने मुझे बताना है कि स्क्रीन पे क्या नज़र आएगा। तो अभी मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, ठीक है। तो आप समझ लें कि लाइट शाइन हो रही है और ये जो स्क्रीन है इसके सामने से हमें क्या नज़र आना चाहिए, ठीक है। तो सिंगल बल्ब है या टॉर्च है। तो अगर आप में से कोई वॉलंटियर करना चाहे कि क्या नज़र आना चाहिए, प्लीज़। अगेन इसमें यू नो देयर इवन इफ यू गेट इट रॉन्ग यू विल ऑल लर्न समथिंग, सो प्लीज़ आई हाईली recommend that you participate. हाँ, लेकिन हाथ खड़ा करना पड़ेगा क्योंकि हम चाहते हैं कि ऑनलाइन ऑडियंस भी सुने, तो माइक प्लीज। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप की चीज। अच्छा, आप थोड़ा सा टेक्निकल यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा इस तरह की कर्व। अच्छा, लेकिन अगेन मैं टू डायमेंशनल में बना रहा हूँ, तो आपका कहने का मतलब क्या ये है कि इस तरह का कुछ आएगा, कोई ब्लॉब सा? इसमें कुछ और कुछ मिसिंग तो नहीं है? कोई और भी अगर जवाब देना चाहे, बीच में करेक्ट करना चाहे तो जी, माइक लें पीछे से। अगर स्लिट उस तरह की है जिस तरीके से आपने पेज दिखाया है, तो स्लिट को रिप्रोड्यूस होना चाहिए उस स्क्रीन पे, ठीक है। और वो किस तरह से रिप्रोड्यूस होगी? एक पूरी लाइन ऊपर से नीचे, ठीक है। चलें ये हमें थोड़ा सा इसमें चलें, आप कह रहे हैं कि इस तरह होगी। हाँ, लेकिन देखिए वो बल्ब आमतौर पे इस तरह, ये आमतौर पे इस तरह जाती है, तो चलें इस तरह कर लेते हैं, एंड पे जाके थोड़ी सी वो डिम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अभी भी कुछ मिसिंग है? ये वाली थोड़ा, ये वाला आंसर जो है ये पहले वाले से बेहतर है क्योंकि वो एक प्रोजेक्शन होगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक और बात बता दूं कि ये स्लिट जो है ना ये बहुत ही बारीक है, तो क्या ये लाइट फैलेगी या कुछ और इफेक्ट होगा? कॉन्सेंट्रेटेड वन पॉइंट के ऊपर फोकस लाइट होनी चाहिए। अच्छा, प्लीज जी, कॉन्सेंट्रेटेड एक डॉट फोकस्ड किसी पॉइंट के ऊपर स्लिट में से बनना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये बनेगा, ठीक है, राइट। अच्छा, एक मैं इसमें हिंट दे दूं, आपके जो जवाब थे वो पार्शली ठीक थे, एक हिंट इसमें दे दूं कि डायफ्रेक्शन भी होता है, कि लाइट जो या वेव्स है ना वो किसी होल में से गुजरती हैं तो वो कुछ हद तक फैलती भी हैं। तो अब ये हिंट मैंने आपको दिया है, अब आप मुझे बताएं कि कोई भी, प्लीज़ कोई भी आंसर कर सकता है। आई डोंट वॉन्ट टू गिव आउट ऑल दी आंसर्स। प्लीज़ आप प्रेशराइज फील ना करें, बड़ा मुश्किल सवाल है। मुश्किल सवाल है? अच्छा, बाय द वे अभी 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 जो मैंने जो भी कुछ एक्सप्लेन किया, दिस हैज नथिंग टू डू विद क्वांटम थ्योरी। अभी हम 19th सेंचुरी के स्टार्ट में हैं, और अच्छा, तो इसका जिसने, आप में से किसी ने कहा था कि लाइन बनेगी, लाइन तो बनेगी लेकिन वो थोड़ी सी जो है ना डिफ्रैक्ट भी करेगी, तो ये थोड़ी सी फैलेगी। जो ब्राइटनेस है उसकी, ऑब्वियसली जो उसकी ब्राइटनेस की पीक है वो सेंटर में होगी, लेकिन ये इस तरह फैलेगी। आपके पास अगर लेज़र लाइट है और बारीक आपने सुराख किया एक कागज़ के अंदर, तो आप उस पर ये घर में ट्राई कर सकते हैं।
तो ये थोड़ा सा ना एक ब्लॉब सा बन जाएगा, ज़रा फैला हुआ, इसको डायफ्रैक्शन कहते हैं फिजिक्स में, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी इतनी मैटर नहीं करती। अच्छा, ये तो एक था, अब अगर मैं दो बना देता हूँ, एक ये है, एक ये है। अच्छा, अब क्या होगा? लाइट सोर्स एक ही जी, ये लाइट सोर्स एक है लेकिन ये होल्स दो हैं, ठीक है। अब क्या होगा? सिर्फ अगर स्क्रीन का नहीं बताना, आप मुझे बस ये बता दें कि यहाँ से लाइट किस तरह से मूव करेगी। ये तो हमें नज़र आ रहा है कि ये फैलती भी जा रही है इस तरह। अब होल्स के बाद क्या होगा? जी, माइक प्लीज इधर ले आए। थिंक इट विल स्प्रेड। ओके, इट विल स्प्रेड, दैट्स द राइट आंसर, बट देयर आर टू होल्स, सो हाउ विल इट स्प्रेड? स्मॉल स्क्वायर्स प्रोबब्ली। ओके, सो यू आर सेइंग दैट विल गेट समथिंग लाइक दिस, या, एंड इंसटेड ऑफ वन विल गेट टू। ओके, इसको ये मैं थोड़ा सा फैलाना पड़ेगा। सो यू आर सेइंग दैट वी विल गेट टू, राइट? या। ओके, लेट्स से आई ब्रिंग दीज टू वेरी क्लोज, so now there are two holes that are very very close. What will I get now? Is this still correct? No, it will be smaller and very close to each other. Smaller and very close to each other. Okay. Let me try that. So you are saying we'll get something like this? Yeah. Okay. Am I missing something? बाकी लोग प्लीज़ आप भी कुछ इसमें इनपुट दे सकते हैं। ओके, थैंक यू जी। देयर विल बी मल्टीपल लाइंस लाइक दीज। ओके, एंड ऑन बोथ साइड्स। ओके, लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट। देयर विल बी मल्टीपल लाइंस। बट द ब्राइटेस्ट वंस विल बी एट द सेंटर, राइट? ओके, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये दो से इतने ज़्यादा कैसे हो गए? वन एक्सप्लेनेशन इज द वेव बिहेवियर बिकॉज ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रॉफ इंटरैक्शंस। ओके, थोड़ा सा कैन यू लाइक बेसिकली इन वन एरिया द लाइट्स कैंसिल ईच अदर आउट एंड अदर एरिया दे एम्पलीफाई ईच अदर। ओके, तो हो ये रहा है कि ऑफ सो यू वर राइट दैट दे आर स्प्रेडिंग एंड दे आर टू ऑफ दीज, बट इन दिस रीजन both of these are overlapping. So, and if light behaves like waves, then at some points it will amplify and give these bright lines, and at some points it will like cancel each other, right? And so yes, this is correct. To isko hum kehte hain interference. To ye jo abhi humne do behavior dekhe hain, diffraction ek to phailne wala aur interference ke jab दो, दीज कुड बी कंसिडर्ड एज टू लाइट सोर्सेज, राइट? दीज आर असेंशली टू लाइट सोर्सेज। सो वेन लाइट फ्रॉम टू सोर्सेज इंटरफेयर, तो उस तो वी गेट पैटर्न्स लाइक दीज। ऑब्वियसली देर आर सम मोर टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स विच आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट हेयर, लेकिन आप तो ये इंटरफेरेंस का, और ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं, दीज आर कंसिडर्ड लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव बिहेवियर, जैसे ये एक स्टूडेंट ने हमें बताया, राइट? अब हम दिस इज़ ऑल क्लासिकल फिजिक्स, दिस इज़ ऑल बिफोर क्वांटम थ्योरी। अब हम आज के दौर में हमने लेज़र्स को इस्तेमाल किया, ये भी एक लेज़र है। सो लेज़र इज़ एसेंशली अ क्वांटम, एन एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स। तो अब हम इसको थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करके क्वांटम थ्योरी की तरफ लेके जाते हैं। अच्छा, तो अब इंस्टेड ऑफ दिस कंटिन्यूस light, I'm going to have light which is grainy, zarat, and these grains are like very randomly placed. Dust. So it is like dust.
right? Now, because we are thinking of quantum light, I'm going to, so these lines don't exist. So because these are grains, right? So they are discrete. So I'm not going to draw these lines anymore. Just keep boundary pe maine banayi hai. अब हम सिर्फ टू स्लिट्स को देखेंगे. चले ओके. नाउ लेट मी इरेज दिस. अब मुझे बताएं कि अब चलें सॉरी एक स्लिट पे वापस आते हैं पहले. अच्छा अब एक स्लिट है बीच में. अच्छा अब वुड एनीवन लाइक टू make a guess. So science, when we are doing science, it's guesses and conjectures are very important. It's part of the theory building process. Probably it will go straight. Okay, it will go straight. It makes sense if these look like particles. So these will be like this, right? I mean, of course, I cannot draw this like this because we'll see later on that it's really hard to say what's happening here. But let's say that it will go straight. It might start randomly spreading. Okay, let's talk about it. So, isko light source ki bajaye ab thoda sa emphasize karne ke liye ki ek grainy hai, I'm going to call it photon gun. So, photon. So, quantum physics mein light ka jo smallest unit hota hai, light ka jo packet jisko kaha jata hai wave packet. उसको आप फोटोन यानी आप समझ सकते हैं कि लाइट का जो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट क्या है. तो यू कैन कॉल इट फोटोन. तो राइट ओके. सो यू आर सेइंग कैन यू से इट अगेन प्लीज. आफ्टर द कट इट माइट स्प्रेड. इट माइट स्प्रेड. सो इफ यू वर टू मेक अ गेस बिटवीन स्प्रेडिंग एंड नॉट स्प्रेडिंग व्हाट वुड यू से. स्प्रेड रैंडमली. रैंडमली ओके. So you are saying that it will spread randomly, but there are lots of these, right? So on the screen we would see dots, but they would have. Acha spread hue hain, but is there any change in the density of these dots? Like, are they spreading uniformly, or is there anything else? You don't know. Okay. कोई और जवाब देना चाहे. By the way, अभी I haven't said कि ये ठीक है या नहीं है. तो I want to keep some suspense. तो let's say कि spread हो रहे हैं. तो अब जो भी participate करना चाह रहे हैं आप पहले ये बताएं कि do you agree with this? And if yes, then why? या इसमें आपको change करेंगे. They will spread. यहाँ तक तो बात ठीक है. ओके. लेकिन उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी डिफरेंट प्लेस पे. ओके. और वो किस तरह से अनइवन होगी? वो कुछ जगहों पे वो जो फोटॉन्स हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड होंगे और कुछ पे जो है वो. क्या आप बता सकते हैं कि किस तरफ कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होंगे? सेंटर में ज्यादा होंगे. ओके. और साइड्स के ऊपर जो है वो स्पार्सली कॉन्सेंट्रेटेड होंगे. ओके. सो यू आर सेइंग दैट they are still behaving like a wave, but they are grainy. Because wave mein bhi diffraction ho rahi thi, to aap keh rahe hain, even though they are particles, or they look like particles, they are still diffracting. Okay, that's a good explanation. Lekin ab, maine abhi bhi nahi kaha ki ye theek hai nahi. To agar koi iske saath disagree karna chah raha hai, please, now is the time. By the way, all of these experiments are doable in the lab. I'm sure there are labs in Pakistan where you can do these in undergraduate labs. So these are not speculative experiments, right? Okay. You can do this experiment here also. You've got a laser pointer. Yes. Yes. They have those upstairs. Yeah. Here, because the camera didn't come in, so I'm not doing a demo here. Ji, sab log agree kar rahe hain iske saath. कौन डिसएग्री कर रहा है? प्लीज हाथ खड़ा करें. ओके. यस.
So science me, it's also nice to have, you know, people who disagree. They may be correct, or it's not a democracy, right? So, जो हो सकता है disagree कर रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ, जी। अगर हम अभी single slit consider कर रहे हैं, तो photons को तो बिल्कुल opposite slit to a single vertical line में exist करना चाहिए। Sorry, आप कह रहे हैं कि vertical line में सारी distribution होगी, ये side वाले। आपके hole को जो slit बनाई, वो slit है या hole? स्लिट है, वो मैंने कैमरा में थोड़ा सा नजर दिखाई इसलिए जी। सॉरी, दोबारा बोलें, आप कह रहे हैं कि ये साइड वाले नहीं होंगे, सिर्फ बीच में लाइन बनेगी। ओके और इसकी आप एक्सप्लेनेशन क्या देंगे? एज अ पार्टिकल एक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक अगर हम लोग एज अ पार्टिकल कंसिडर कर रहे हैं कि फोटॉन्स एज एन इंडिविजुअल ग्रेन लाइक पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं या बिहेव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो स्लिट में से पास करके लेफ्ट राइट उनके जाने की कोई रीज़न नहीं है। okay. वो बिल्कुल स्ट्रेट ऑन हेड ऑन जो भी उनका जो भी पाथ वे था उस पर ही उसको वो कॉपी करेंगे। ओके हाँ, दिस इज़ द करेक्ट आंसर बाय द वे। लेकिन जो दूसरा वाला है वो बिल्कुल गलत भी नहीं है। थोड़े बहुत क्लिक्स आएंगे साइड पे, बट नॉट बिकॉज ऑफ डायफ्रैक्शन। वो हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सी टनलिंग हो जाए, और वो वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट। सो एज फार एज आर डिस्कशन इज कंसर्न, इट वुड एक्ट लाइक अ पार्टिकल, इट वुड बेसिकली उसकी वो शेप बनेगी। ओके, वेरी गुड, थैंक यू एवरीवन हु पार्टिसिपेटेड। अब हम दो स्लिट्स करते हैं। अब क्या बनेगा? Similar interference pattern to a wave, but it will be grainy as such. थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे प्लीज। So interference pattern waves की तरह होगी, लेकिन इसी तरह grainy होगी। Okay, आप कह रहे हैं कि जिस जो पहले वाला अच्छा interference है या diffraction है, क्या वो फैल रहा है या bright और dark fringe? वो interference भी होगी। Interference pattern, तो आप कह रहे हैं कि interference जैसा कुछ बनेगा, यानी even though they are grains, but the overall pattern that we will see after all the, so consider this a screen जहाँ पे photon hit हो रहे हैं, और जहाँ पे उसने hit किया है वो position record हो गई है और record रहेगी, फिर अगला फिर बाकी photons आके hit कर रहे हैं, so after some time we'll see a pattern। तो आप कह रहे हैं कि इस तरह जैसे interference pattern हमने पहले देखा था वैसा कुछ बन रहा है, और distribution में क्या होगा? सेंटर में ज़्यादा ब्राइट होगी। ओके, और इसकी क्या आप एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं? सो सिंस इट्स द सेम लाइट राइट, इट्स आल्सो गोइंग टू इंटरैक्ट विद इटसेल्फ। ओके, एंड सो वी आर गोइंग टू हैव एम्प्लीफिकेशन एज वेल एज डीकंस्ट्रक्टिव। ओके, तो आप कह रहे हैं कि चलें ग्रेनी है, लेकिन दो सोर्सेज के बाद जाके उसी तरह से ओवरलैप होगा और फोटोन्स जो हैं वो इंटरफेयर करेंगे, राइट? ओके, दैट्स अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। कोई इसको अगर रिजेक्ट करना चाहता है, नॉट बिकॉज दे वॉन्ट टू रिजेक्ट इट, बट बिकॉज दे डोंट फाइंड इट ओके, सो सब लोग एग्री कर रहे हैं कि यही होगा। अच्छा, एक है। नहीं, अगर मैं इसको पार्टिकल समझ रहा हूँ और ये एग्जैक्ट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स तो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनाएंगे ना? हाँ, ये भी है। अच्छा, प्लीज़ अब माइक आप उनके पास ले जाएं। Spoiler alert, I studied quantum mechanics. It's okay. So, okay. I do know that particles do have spooky action at a distance. So. Okay. अच्छा, हम let's try not to go into spooky action. लेकिन अच्छा चलें, एक सवाल ये इस तरह पूछ लेते हैं। Are they behaving like particles or waves? उससे थोड़ी बात क्लियर हो जाएगी कि पैटर्न क्या बनेगा, ठीक है? तो आप क्या कहती हैं? If they were acting classically or like normally, we would just see two stripes. Okay. But that's not how it happens. Okay. तो उसकी एक्सप्लेनेशन पे आप नहीं अभी कमेंट करना चाह रहे? Okay, ठीक है। कोई और
इसकी एक्सप्लेनेशन पे अगर कमेंट करना चाहे जी। नहीं अभी हम ये बात तो नहीं, ये बात कंसीडर कर रहे हैं ना कि सिर्फ हमारे पास ग्रेन्स हैं, इसको क्वांटम लेवल पे तो नहीं देख रहे ना हम, तो समझ रहे हैं कि सिर्फ फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स हैं, सो इट हैज अच्छा अच्छा you know, हाँ, तो अगर ओरिजिनल फोटॉन्स ही हैं तो फिर तो वो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स में वही आ रहे हैं। हाँ. हम तो अभी ये एग्ज्यूम कर रहे हैं कि वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुआ, हम वो थॉट प्रोसेस में वो दोबारा रिक्रिएट कर रहे हैं। हाँ. तो हमारी सेंस ये कहती है कि मैं क्लेरिफाई कर दूँ, आप समझ लें कि ये एक्सपेरिमेंट्स हम लैब में परफॉर्म कर रहे हैं और मैंने आपको बता दिया है कि वी हैव अ लेजर और फोटॉन्स आ रहे हैं। हाँ, फिर तो वही जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इंटरफेरेंस पैटर्न्स बन रहे हैं, फिर वही बनेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। ओके, तो आप एग्री कर रहे हैं कि आप दोनों एग्री कर रहे हैं, कोई डिसएग्री कर रहा है? ठीक है, तो पैटर्न यही बनेगा। आप सब ठीक कह रहे हैं। एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी हम बाद में दोबारा से बात करेंगे। अच्छा, अब आपने कहा कि आपने कहा था कि ये फोटॉन्स आपस में भी तो इंटरफेयर कर रहे हैं ना, मतलब इवन दो ग्रेनी हैं तो दे कैन स्टिल इंटरेक्ट। अब मैं इसको इसमें एक चेंज लेके आता हूँ। अब दोबारा से सिंगल स्लेट है, लेकिन अब मैं ये करूँगा कि अब मैं एक वक्त में एक फोटॉन शूट करूँगा और जब तक वो फोटॉन स्क्रीन पे नहीं लगेगा मैं अगला फोटॉन शूट नहीं करूँगा। तो अब क्या होगा? अभी सिंगल स्लेट है, कोई गैस कर लें प्लीज जी। वही पैटर्न आना चाहिए जो स्टार्ट में सिंगल स्लिट के साथ विद फोटॉन्स आया था, जो स्टार्ट में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ यू हिट दोस फोटॉन्स सो दे लाइन अप इन द। आप तो आप कह रहे हैं ये इस तरह का कुछ बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन टाइप आएगी जो कि लास्ट टाइम हमने जब बहुत सारे फोटॉन्स फेंके थे तब हुआ था, राइट? ओके, दिस इज करेक्ट। और इफ एनीवन डिसएग्रीज प्लीज से। अच्छा, अब मैं इसको धो कर देता हूँ। अभी भी मैं एक वक्त में एक फोटॉन शूट कर रहा हूँ और अब क्या पैटर्न आएगा? सिंगल स्लेट का हमने देख लिया, सिंगल स्लेट का वो एक उसकी लाइन की प्रोजेक्शन आई है। अब दो स्लेट्स हैं, एक वक्त में एक फोटॉन जा रहा है, इसको मुझे थोड़ा सा करीब बनाना चाहिए था। अभी हम ये सारी इन सब की ना एक्सप्लेनेशंस को दोबारा से रिविजिट करेंगे और विल ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट। अभी आई एम जस्ट अभी मैं चाहता हूँ कि एक हमारा कंसेंसस बन जाए कि एक्सपेरिमेंट्स के क्या आउटकम्स हैं, उसके बाद फिर बात होगी कि एक्सप्लेन किस तरह से करना है। तो अभी अगर मैं मेरे पास फोटोन गन है, मैं शूट कर रहा हूँ, जब एक हिट हो जाती है तो कोई अलार्म लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, कोई सिग्नल मुझे आता है कि वो हिट हो गया, अब मैं अगला शूट करूँगा, तो अब किस तरह का पैटर्न आएगा? या थोड़ी देर के लिए फोटोन को भूल जाएं, से आपके पास कोई कोई गन वो खिलौने वाली होती है और वो आप जहाँ पे हिट कर रहे हैं ना, मतलब दो आपके पास स्लेट्स हैं और आप ऐसे ऐसे चला रहे हैं गन, कोई उसमें से आप जो शूट करते हैं वो जाके हिट कर जाता है, जहाँ हिट कर जाता है वहाँ निशान पड़ जाता है। सॉरी, यस, समथिंग डायग्राफिक। तो वो अब वो जो हिट्स आपने इस तरह के बहुत सारे हिट्स कर लिए हैं, जब तक मतलब जब एक हिट होता है फिर आप अगला फायर करते हैं, तो ओवरऑल फिर जब एंड पे जाके आप स्क्रीन को देखेंगे तो क्या पैटर्न आएगा फॉर अ राइफल? अभी हम लेट्स फॉरगेट क्वांटम फिजिक्स। हाँ, माइक्रोफोन है जी। वहाँ तो फिर सिंगल डॉट हमेशा होना चाहिए। हाँ, सिंगल डॉट्स आएंगे और लेकिन वो किस तरह से, लेट से एक डॉट इस स्लेट से गया, इधर लग गया है, अगला वाला रैंडमली या इधर लग गया या उधर लग गया है, राइट? यस। तो पैटर्न्स किस तरह का बनेंगे? दो स्लेट्स की प्रोजेक्शंस बन जाएंगी, राइट? यस, एग्जैक्टली।
इसी तरह बननी चाहिए। अच्छा, ये तो राइफल थी, अब वापस हम क्वांटम फिजिक्स में आते हैं। अब फोटोन के साथ हम ये कर रहे हैं, अब क्या होगा? फोटोन मींस सिंगल फोटोन के साथ, सिंगल फोटोन के साथ जब एक हिट करेगा फिर अगला फायर होगा। ओके, माइक प्लीज उनको दे दें जी। एक फोटोन डिवाइड हो जाएगा दो फोटॉन्स के अंदर। ओके, लाइक दो वो आएंगे प्रोजेक्शंस लाइक। हां ठीक है, डिवाइड हो गया, लेकिन आप मुझे बताएं कि स्क्रीन पे क्या आएगा? स्क्रीन पे दो फोटॉन्स आएंगे, लाइक दो फोटॉन्स आएंगे। ओके, राइट, मतलब दो, सॉरी उनको बोल रहे हैं जी, लाइक दो आएंगी, एक उस तरफ एक इस तरफ। ठीक है, नहीं लेकिन देखो, एक जब शूट हो गया लग गया फिर हम एक और फायर करेंगे, और हम लेट्स से आई फायर्ड 100 फोटॉन्स, तो 100 फोटॉन्स के अभी हम नंबर्स काउंट नहीं कर रहे कि कितने आएंगे अभी। अब आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि ओवरऑल हमें किस तरह की चीज़ नज़र आएगी। लाइक आपने कहा कि एक फोटोन फायर किया तो दो उसने डॉट्स बना दिए, आई फायर्ड 100 फोटोन्स लाइक दीज, तो अब हमें किस तरह से नज़र आएगा? वो सारे एक जगह पे तो नहीं लगेंगे क्योंकि वो स्लिट्स तो बहुत बड़ी हैं, आपने देखा है। दो ऐसी प्रोजेक्शन आएंगी, ऐसी ही आएंगी। ठीक है, कौन एग्री करता है इसके साथ? आप एग्री कर रहे हैं। अच्छा, और आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ऐसे ही क्यों आएंगे? वहाँ पे स्लिट्स तो हैं एंड जो एक फोटोन है वो रैंडमली स्लिट्स की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो बस ठीक है, दैट्स अ गुड आंसर। कोई इसको अगर इसके ऑपोजिट या कोई डिफरेंट एक्सप्लेनेशन या डिफरेंट पैटर्न का कहना चाहता है तो प्लीज़ कहें, कोई भी जी। फोटोन एक वेव है ना बेसिकली। अच्छा। फोटोन को अगर हम वेव ले लें। ओके, तो एक अगर फोटोन जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि एक वेव जा रही है। ओके, तो और वेव जो है उसके पोजीशन सर्टेन नहीं है, वेव की वेव स्प्रेड आउट होती है। ओके, और जब लैंड करेगी कहीं पे भी लैंड हो सकती है, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि वो दो स्लिट्स में ही हमें कहीं पर लैंड हो, वो और जगहों पर भी लैंड हो सकती है। ओके, वो डिपेंड करता है कहाँ पर कोलैप्स होती है वो वेव। ठीक है, तो अगर वेव अगर फोटोन को एज अ पार्टिकल ले रहे हैं फिर तो डेफिनेट पोजीशन होगी, डेफिनेट जगह पे जाके लैंड होगा, ये दो स्ट्रिप्स। ठीक है, लेकिन अगर वो वेव है तो वेव तो की कोई पोजीशन सर्टेन नहीं होती, जब वो लैंड होगा स्क्रीन पे तो फिर वो कहीं ना कहीं पोजीशन सेलेक्ट हो जाएगी उसके लिए रैंडमली। तो क्योंकि रैंडम पैटर्न होगा वो वेव है, तो हमें स्प्रेड आउट से कोई एक इंटरफेरेंस पैटर्न टाइप मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये यहाँ से स्प्रेड आउट होगा, यहाँ से स्प्रेड आउट होगा और फिर इंटरफेरेंस, लेकिन इसमें तो एक डिफरेंस ये है, लास्ट टाइम किसी ने एक्सप्लेनेशन दी थी कि बहुत सारे फोटॉन्स हैं वो इंटरफेयर कर रहे हैं, यहाँ मैं एक वक्त में एक फोटॉन फायर कर रहा हूँ, तो वो फोटॉन जो है इट हिट्स द स्क्रीन एंड देन द नेक्स्ट फोटॉन इज फायर्ड, सो हाउ कैन दे इंटरफेयर? ये सवाल है, अगर हम आपकी एक्सप्लेनेशन को फॉलो करते हैं। नहीं, अगर वो वेव है ना, वेव अगर हम फोटोन ट्रैवल कर रहे हैं वेव की तरह ट्रैवल कर रहे हैं, वेव इमेजिन कर लें उसे, वो स्लिट्स में से पास करेगा, दो वेव्स की सोर्सेज बन जाएंगी। ठीक है, और फिर वापस में इंटरफेयर कर जाएंगे दोनों वेव्स। ओके, हाँ इस तरह मैं सोचता हूँ। ओके, तो शहरयार, शहरयार राइट, हाँ शहरयार ये कह रहे हैं, सॉरी दैट वाज अ इनसाइड जोक, शहरयार ये कह रहे हैं कि ये फोटोन एक वेव की तरह एक्ट करता है, तो यहाँ पे वेव की तरह ये फैल रहा है और ये दो स्लिट्स हैं, तो जिस तरह हमने पहले लाइट को देखा था तो ये दो कोन्स हमारे पास बन रही हैं इस तरह करके, और यहाँ पे वो दो कोन्स जब इंटरफेयर कर रही हैं और फिर वो हमारे पास पॉइंट आ रहा है, लेकिन बहुत सारे फोटॉन्स को जब इस तरह फायर करते जाएंगे और सारा यहाँ पे सारा वेव बिहेवियर है, जब वो हिट करता है फिर वो एक डॉट बना देता है, और तो पैटर्न हमारे पास शहरयार के मुताबिक वही आएगा जो कि इंटरफेरेंस का हमने बहुत दफ़ा बनाया है, लेकिन ये वाला ग्रेनी होगा क्योंकि हम फोटॉन्स फायर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके साथ कोई अगर डिसएग्री कर रहा है, दिस इज़ बाय द वे, दिस इज़ आई थिंक जो शहरयार ने एक्सप्लेनेशन दिया है, आई थिंक दिस इज़ लाइक स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन जो कि आई थिंक टेक्स्ट बुक्स में दी जाती है इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, तो लेकिन अगर कोई इसे डिसएग्री करता है तो वो आप बताएं। एक चीज़ मैं आपको इसमें बता देता हूँ, ये पैटर्न ठीक है, मतलब इवन दो वी आर फायरिंग अ सिंगल फोटोन, वी आर फायरिंग फोटॉन्स वन बाय वन, अभी इस पे अभी हमारी सारी डिस्कशन इस पे होगी कि बीच में क्या हो रहा है। ठीक है, तो इतना मैं आपको बता देता हूँ कि ये पैटर्न बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यू कैन डू इट इन द लैब एंड यू विल सी इट, मैंने अपने बैचलर्स में ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया था एंड यू सी इंटरफेरेंस, तो ये पैटर्न तो ठीक है।
अच्छा, अब इसी इसी को थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए या थोड़ा सा इसमें फर्दर नुआंस ढूंढने के लिए मैं ये करता हूँ कि इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ. एक स्लेट, हालांकि दो स्लेट्स थी, एक स्लेट के सामने मैंने एक स्लेट को ना मैंने बंद कर दिया, मैंने उसके साथ सामने कोई कवर लगा दिया. तो अब क्या होगा? आप हाँ, कोई अगर इस पर आंसर देना चाहे प्लीज़. जी, सिंगल स्लिट ही होगी लेकिन अगेन थोड़ा डाइवर्जिंग पैटर्न होगा. बिल्कुल एक ठीक है, यानी आप वो कह रहे हैं जो सिंगल स्लिट वाला हमने पहले देखा था पैटर्न, वही पैटर्न आएगा. ओके, और कोई इसे डिसएग्री करता है अगर तो बताएं. अच्छा, ऐसे क्यों होगा? क्योंकि अब हमारे पास दो सोर्सेज नहीं है, एक सोर्स हमने क्लोज कर दी है. अच्छा, तो अब सिंगल सोर्स जो है वो जैसे एक सिंपल वेव उस सोर्स में से निकल के डायफ्रेक्ट करेगी, तो हमारा वो सिंगल स्लिट ही होगी. ठीक है, लेकिन विद सम वेव गोइंग टू द साइड्स. ठीक है जी, मैं इनकी बात तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं. ये कि एक स्लिट की वजह से जो लाइट का सोर्स है वो एक पैटर्न बनाएगा, जब दो स्लिट्स होंगी तो वो लाइट का सोर्स आपस में, क्योंकि वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट करता है बीइंग लेमैन, ठीक है, इंटरफेरेंस होती है, इसलिए वो डार्कर और लाइटर शेड्स बनते हैं. तो एक सिंगल स्लिट होगी तो एक ही जगह पर लाइट इवनली प्रोबेबली डिस्ट्रीब्यूट होगी. ठीक है. अच्छा, अब चले इस पर तो दो लोगों ने एग्री कर लिया, और बाकी लोग एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे पहले ये बता दें. सब एग्री कर रहे हैं, कोई भी डिसएग्री अगर करते हैं तो अभी नाउ इज द टाइम. जी, वो हम बाद में बात करेंगे, अभी वी आर जस्ट कंसर्न्ड विद द रिजल्ट्स. उस पर अभी हम बात करेंगे कि मेजरमेंट हो रही है या नहीं हो रही. हाँ, तो मैंने ब्लॉक कर दिया, बस ऑब्जर्वर वाली टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत है, जस्ट ब्लॉक इट. आप समझ लें कि फोटोन को क्या पता है कि वो ब्लॉक हो रहा है नहीं. फोटोन के लिए, फोटोन को एक स्लिट नजर आ रही है, राइट. अच्छा, तो अपेरेंटली यहाँ पे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है और सब कह रहे हैं कि सिंगल स्लिट बनेगी. चलें, मान लेते हैं. अच्छा, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और ट्रिकी बनाते हैं. अच्छा, अब ये होगा कि मैं फोटोन फायर करूँगा और हम स्पीड ऑफ लाइट, हम सबको, ज़्यादातर लोगों को पता है, और स्पीड ऑफ लाइट बहुत, मतलब इट्स अ एम्पिरिकल थिंग, राइट, टू चेक. तो हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है. मैं फोटोन फायर करूँगा और मैंने एक लैब में एक सिस्टम बनाया हुआ है कि फोटोन, जब मुझे पता लग जाएगा कि फोटोन इन स्लिट्स में से गुजरना था, उसने गुजर लिया है, ठीक है. ऑब्वियसली स्पीड ऑफ लाइट मुझे पता है, स्पीड, और आई कैन कैलकुलेट द टाइम कि इस फोटोन को यहाँ जाने तक कितना टाइम लगेगा, राइट. तो जब फोटोन इन स्लिट्स में से पास कर जाएगा, फिर मैं एक स्लिट ब्लॉक कर दूंगा. अब क्या नजर आएगा? हाँ, आफ्टर पासिंग. और हर फोटोन के साथ मैं ये करूँ, एक फोटोन में फायर करता हूँ, जब फोटोन निकल जाता है, फिर मैं, लेकिन फोटोन के इस पे लगने से पहले मैं ब्लॉक कर देता हूँ. और फिर मैं सारे फोटोन्स के साथ ये करता हूँ, एक को फायर करता हूँ, जब मुझे पता है कि वो स्लिट में से गुजर गए होंगे, हालांकि मैंने चेक नहीं किया, वो टाइम के मुताबिक गुजर गए होंगे, फिर मैं एक स्लिट ब्लॉक कर देता हूँ. तो अब पैटर्न क्या होगा? चलो, हमें बाय द वे, हमें अब ये सारे केसेस को देख के ये बात पता लग गई है कि या तो, मतलब दो चीज़ें हो सकती हैं ना, चलें तीन चीज़ें हो सकती हैं. या तो होगा सिंगल स्लिट बनेगी, या ये होगा दो स्लिट्स बनेंगी, या इंटरफेरेंस होगी. इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, राइट. तो ये हमने एस्टैब्लिश कर लिया अभी सारे केसेस देख के. तो अब ये हमने देखना है कि अब क्या बनेगा और क्या उसकी एक्सप्लेनेशन है, और यहाँ से फिर थोड़ी सी वो इंटरप्रिटेशन और वो सारी चीज़ें यहाँ से निकलेंगी. तो जो लोग, जिन लोगों को लगता है कि सिंगल स्लिट बनेगी, वो हाथ खड़ा करें. हाँ, मैंने आपको बताया, आई फायर अ फोटोन. फोटोन जब स्लिट्स, जब इतना टाइम गुजर जाता है कि फोटोन स्लिट में से गुजर गया होगा, लेकिन स्क्रीन पे लगने से पहले आई ब्लॉक वन ऑफ द स्लिट्स. या चलिए इसको और सिंपल करने के लिए, आई ऑलवेज ब्लॉक दिस स्लिट जब फोटॉन्स गुजर जाते हैं, ठीक है. ये थोड़ा सा बेहतर है. और एंड आई कीप डूइंग दिस, लेट्स से आई डू इट फॉर लाइक 100 और 1000, जितने आपको पसंद है,
लेकिन थोड़े इतने होने चाहिए कि कुछ पैटर्न नज़र आ जाए। तो अब ये देखना है कि क्या आउटकम आएगा, और फिर जो आप लोगों ने अभी तक काफ़ी लोगों ने डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, और फिर आपने ये देखना है कि क्या आपकी एक्सप्लेनेशन जो पहले थी उसके साथ ये कंसिस्टेंट है। तो अभी एक दो मिनट इफ़ यू वांट टू थिंक अबाउट इट, यू बी माय गेस्ट। पहले कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट्स बन रहे थे, लेकिन अगर आपने सिंगल सोर्स को ब्लॉक किया है, इसका मतलब है कि लेस कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट बनेगा, डिवाइड होगी लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। दैट इज़ अ वेरी गुड आंसर, ठीक है, लेकिन लेट्स कीप दैट असाइड, जो कॉन्सेंट्रेशन या जो डेंसिटी वाली बात है ना, अभी सिर्फ इस पे फोकस करें कि सिंगल स्लिट होगी, डबल होगी या इंटरफेरेंस होगी, ठीक है। वो जो आप बात करें वो दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू कंसिडर, बट लेट्स नॉट कंसिडर इट हियर। जी, I would say two slits without interference. आप कह रहे हैं कि two slits हैं without interference. Okay. और इसकी आप explanation क्या देंगे? नहीं? Okay. कोई और अगर please. जी. इधर एक गो. इधर लाइन आएगी. जी. और इधर एक लाइन आएगी उसमें. ओके, ऐसे ही आएगी? नहीं, इसकी इधर आएगी. सॉरी, आप कह रहे हैं एक लाइन आएगी इधर और इधर. आप आगे ड्रॉ करोगे? नहीं. ओके, अच्छा, आप कह रहे हैं कि इस तरह होगा. ओके, तो अब चलें इसके साथ, ठीक है, थैंक यू. हाँ, इसके साथ कौन एग्री करेगा? जी, लाइक हम ये सुन कह रहे हैं कि लाइक एसेंशली क्वांटम इरेज़र एक्सपेरिमेंट ही हो गया ना, कि हम लाइक जब वो पास कर चुके हैं जी, देन वी आर ब्लॉकिंग द फर्स्ट स्लिट, एंड नाउ हमारे पास एग्जैक्टली वही आना चाहिए रिजल्ट, वो द वन इन द सिंगल स्लिट. ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन लाइक उस सेंस में हम दे सकते हैं, अगर हम हर पाथ के साथ एक एम्पलीट्यूड एसोसिएट करें, लाइक वो फिर ज़्यादा आई गेस टेक्निकल डिटेल्स में हो जाता है, बट लाइक अगर उस सेंस में देखें तो एग्जैक्टली लाइक एक ही पाथ है, तो अब वो इंटरफेरेंस का यहाँ पे चांस नहीं है, ठीक है. लेकिन अगर पहले दो चांसेस में देयर वर टू पॉसिबल पाथ्स. अच्छा, तो आप कह रहे हो कि पहले दो पॉसिबिलिटीज थी, हाँ, और अब एक पॉसिबिलिटी रह गई है, हाँ. तो रिजल्ट्स जो जितनी अवेलेबल पाथ्स होंगे उस हिसाब से आएगा, हाँ. तो लाइक मेरा मेरी असम्पशन है कि लाइक जब तक वो स्क्रीन पे आते नहीं है, दिस होल फॉर्मलिज्म कि एम्पलीट्यूड्स कैन इंटरफेयर, दिस रिमेंस वैलिड, ठीक है. यानी आप कह रहे हैं कि जब तक वो स्क्रीन पे हिट नहीं करेगा, तब तक ये मैटर करता है कि यहाँ पे दो स्लिट्स हैं या सिंगल स्लिट है, लाइक ठीक है, लाइक ड्यूरिंग द होल प्रोसेस के एंड रिजल्ट जब तक नहीं आता, जब तक इट हर्ट्स द स्क्रीन और नॉट, इट मैटर्स कि वो है, ठीक है. लेकिन लेकिन ये तो मतलब इफ दिस इज फोटोन तो ये तो गुजर गया हुआ ऑलरेडी, हाँ. बट आई एम सेइंग लाइक द आउटकम इज द आउटकम जो है, अगर इस एक्सप्लेनेशन जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, उससे पहले से ही डिटरमाइंड लाइक दैट इट ऑलरेडी नोज के पहले दैट वी आर गोइंग टू ब्लॉक द स्लिट. तो अब क्योंकि वो पहले से ही हमारे प्री डिटरमाइंड था दैट वी आर गोइंग टू ब्लॉक दैट स्लिट, सो वो लाइक पैथ डिडंट इवन एग्जिस्ट, तो उस लिहाज से वो सिर्फ उसी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी अब द अदर पैथ, राइट, ठीक है. अच्छा जी, अभी आई जस्ट वांट अ कंसेंसस और डिसएग्रीमेंट अबाउट द आउटकम. हमजा भाई, सिंपल करते हैं. आपने एक बैरियर रखा जी, बैरियर में आपने दो सुराख बनाए, फोटोन को छोड़ दिया, आपने लाइट पास कर दिया, ठीक है, ठीक है. तो पहले दो थे सुराख जी, तो दो इस बनेंगे, बाद में आपने एक बंद कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात एक ही बनेगा, ठीक है. तो इसको बहुत ट्रिकी कर रहे हैं आप लोग, समझ नहीं आ रही है. जी जी, शहरियार को दें माइक. अच्छा, तो कासिम और सॉरी आपका नाम भूल गया था जी, आलम, हाँ. तो ये कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ ये सेटिंग्स मैटर करती हैं, यानी जो भी आउटकम आएगा उसका ताल्लुक इन सेटिंग्स से है, चाहे लाइट यहाँ गुजर भी गई हो, लेकिन हिट करने से पहले जो सेटिंग होगी वो मैटर करता है.
यार अगर वो सम ओवर हिस्ट्रीज वाली अगर हम बात करें ना, उसमें जिसने लीस्ट एक्शन पाथ को पार्टिकल्स फॉलो करते हैं, लीस्ट एक्शन वाला पाथ होता है वो पहले से डिटरमिंड होता है, उसमें टाइम का कोई चक्कर ही नहीं होता उसके अंदर। तो क्योंकि वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक वो पास डिटरमिंड है, हाँ। और उसके उसके लैंड करने से पहले हमने ब्लॉक कर दिया, तो वो तो सिर्फ अपने पूरे के पूरे पाथ को उसने देखना है जो अपना लीस्ट एक्शन वाला पाथ है। पाथ उसके लैंड होने से पहले हमने पाथ ब्लॉक कर दिया तो वो उसके लिए अनअवेलेबल हो गया, ठीक है। यानी आप तो फिर सिर्फ एक ही पाथ अवेलेबल होगा फोटोन के लिए। तो आप कह रहे हैं ये पूरा पाथ मैटर करता है आउटकम आने के लिए, ठीक है, दैट इज वन वे टू एक्सप्लेन इट। लेकिन अभी भी आई एम नॉट श्योर इफ एवरीवन एग्रीज। अच्छा, सबको एग्री कराने की जरूरत नहीं है, बट सिर्फ मुझे इतना, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक अ सर्वे कि रिगार्डलेस ऑफ योर एक्सप्लेनेशन, डू यू थिंक यू विल गेट अ सिंगल स्लिट, येस और नो? ठीक है, जो लोग येस कह रहे हैं वो हाथ खड़ा कर दें। 1, 2, 3, 4, ओके। अच्छा, अब जो लोग कह रहे हैं, अभी हम इस डिबेट में नहीं पढ़ रहे कि स्लिट इधर बनेगी इधर बनेगी, ये वाला हमने ब्लॉक किया है, तो आई थिंक इट्स अ रीजनेबल अजम्पशन कि स्लिट एक साइड पे ही बनेगी, ठीक है, अगर एक बननी है। अब कौन वो लोग हैं जो कहेंगे कि दो बनेगी? 1, 2, 3, और जो बाकी हैं वो आई एम, अब क्योंकि हमारे पास तीन ऑप्शन हैं तो बाकी एग्री करते हैं कि इंटरफेरेंस होगी या दे डोंट वॉन्ट टू से, ठीक है, ओके। तो ओके, जो बाकी लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं? आई एम क्यूरियस, ओके। हाँ, लेकिन आप देखें, आप यू कैन ऑल्सो यू नो टेक योर गट फीलिंग सीरियसली, यू नो आई मीन हो सक एक्सप्लेनेशन नहीं भी है, लाइक व्हाट्स योर गट फीलिंग, व्हाट्स योर इंट्यूशन, और तो कौन लोग हैं जो इंटरफेरेंस देखना चाह रहे हैं या उन्हें लगता है कि इंटरफेरेंस होगी? ओके, तो और बाकी लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे, ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं तो मैं बस आपको बता देता हूँ कि एक्सपेरिमेंटली क्या होगा, एक्सप्लेनेशन फिर हम बात करते हैं। तो ये बात ठीक है आप में से जिन लोगों ने कही कि हिट करने से पहले अगर आपने यहाँ पे ये ब्लॉक कर दिया तो एक स्लिट बनेगी। अगर ये पहले ब्लॉक था, इसका जो ऑपोजिट है वो भी, दैट्स ऑल्सो ट्रू। अगर ये ब्लॉक था, आपने फायर किया, हिट करने से पहले आपने इसको रिमूव कर दिया, तो क्या होगा? जिन लोगों ने कहा था कि फिर डबल स्लिट बनेगी, अवेलेबल हो गया ना वो। अच्छा अच्छा, अब जिन लोगों ने कहा था इंटरफेरेंस हो जाएगी ना यहाँ पे, इंटरफेरेंस हो जाएगी या दो स्लिट? इंटरफेरेंस हो जाएगी, अवेलेबल कर दिया ना हमने उसे। अच्छा ठीक है, तो शरिया कह रहे हैं कि फिर इंटरफेरेंस हो जाएगी, तो दिस इज कंसिस्टेंट विद जो भी एक्सप्लेनेशन बात आप में से लोगों ने दिया है कि व्हाट मैटर्स इज द होल पाथ, राइट? चलें, हमने अब आई थिंक रिजल्ट्स पे थोड़ा सा कंसेंसस क्रिएट कर लिया है कि जब चाहे फोटोन यहाँ से निकल भी गया हो, उसके बाद भी अगर आप एक को ब्लॉक कर दें तो सिंगल स्लिट आती है, एक को रिमूव फोटोन के गुजरने के बाद रिमूव कर दें तो डबल आती है। और अच्छा, अब मैं ब्लॉक नहीं कर रहा, अब मैं यहाँ पे कैमरा लगा देता हूँ, लेट्स आंख में आता हूँ, ठीक है, और इधर भी आंख में आता हूँ। इसका मतलब यह है कि जैसे ही फोटोन गुजरेगा ना, हमें पता लग जाएगा। हाँ, अब दोनों आंखें देख रही हैं और अब जा रहा है फोटोन, अब क्या होगा? इसके बाद फिर हम एक्सप्लेनेशंस पे डिबेट करेंगे। अगेन, दिस इज समथिंग दैट पीपल हैव डन इन द लैब, दिस इज समथिंग यू कैन डू इन द लैब। अच्छा, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या ठीक थी जो ब्लॉकेज वाला थॉट एक्सपेरिमेंट था? लगने से पहले उससे फर्क नहीं पड़ता ना, हेलो, एम्पिरिकली अगर आप आउटकम्स की बात कर रहे हैं तो उस हद तक ठीक थी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि लगने से पहले लगाएं या हटाएं। हाँ, वो बात आपकी ठीक थी। हाँ, डबल वो सही। अच्छा, अब ये आंखें आ गई हैं दो, अब क्या होगा? If anyone wants to say anything. अब दो अलग अलग स्लिट्स बनेंगे। अब दो स्लिट्स बनेंगे। अच्छा, that is correct by the way.
अच्छा, अब अगर फोटॉन्स गुजर गए हैं लेकिन लगने से पहले मैं ये आंखें हटा देता हूँ, फिर क्या होगा? हाँ, अब क्या होगा? फुल पाथ मैटर करता है, तो आंखें हटाएं आठ जी, माइक ले लें प्लीज। पूरा पाथ मैटर करता है तो, लेकिन आंखें तो पाथ को चेंज नहीं कर रही। नहीं, वो ऑब्जर्व तो हो गया ना, मतलब ये है कि ऑब्जर्वर पाथ के बीच में आ गया तो ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। ऑब्जर्वेशन यानी हमें पता लग गया कि फोटॉन किस स्लिट से गुजरा है। हाँ, अच्छा, तो आंखें अगर हटा ली लगने से पहले, फिर क्या होगा? मतलब पाथ के ये पैटर्न क्या बनेगा? फिर तो इंटरफेरेंस हो जाएगी, ऑब्जर्वेशन हुई नहीं। ठीक है, सब लोग एग्री करते हैं इसके साथ? ठीक है, दैट इज करेक्ट। और अगर आंखें पहले नहीं थी, फोटोन निकल गया, फिर हमने आंखें लगा दी, तो फिर को फिर अलग अलग, फिर अलग अलग, फिर अलग, ये अलग बिल्कुल अलग। ये बिल्कुल ठीक है। अगर अगर आपको पता लग गया ना, चाहे आपने वो जो कैमरा में रिजल्ट था वो नहीं भी देखा, अगर आपको इन प्रिंसिपल भी पता लग गया कि वो किस पाथ से गुजर रहा है, तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। मतलब टाइम इज एन इल्यूजन बेसिकली, टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। इस पे मतलब हम बात कर सकते हैं अभी, लेकिन अभी अभी हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे थोड़ा सा। तो जो अगर हमें पाथ पता लग गया फोटोन का, या इन प्रिंसिपल पता लग सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आँखें हों, कुछ और भी हो सकता है, तो फिर इंटरफेरेंस नहीं होगी। और अगर हमें इन प्रिंसिपल भी नहीं पता लग सकता, फिर इंटरफेरेंस होगी। तो इस पे ये वाला पॉइंट मैं चाहता था कि हम इसको अप्रिशिएट कर लें। और अब हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। मतलब ये हमें, ये तो एक्सपेरिमेंट्स लैब में मैंने बताया कई दफ़ा हो चुके हैं, यू कैन डू इट इन पाकिस्तान, एटलीस्ट इन इन सम लैब्स इन लाहौर, आई एम श्योर इस्लामाबाद में भी यू कैन डू इट। तो अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। तो अभी कुछ लोगों ने एक्सप्लेन करते हुए ये कहा कि उसको अगर पार्टिकल के तौर पर ट्रीट करेंगे या वेव के तौर पर ट्रीट करेंगे, तो वो एक्सप्लेनेशन में यही बात है कि वेव है या पार्टिकल है। अब जो टेक्स्ट बुक इंटरप्रिटेशन या टेक्स्ट बुक में जो एक्सप्लेनेशन दी जाती है, उसको कहते हैं कोपनहेगन, क्योंकि नील्स बोर उसका चैम्पियन था, नील्स बोर कोपनहेगन में उसकी इंस्टीट्यूट थी, तो उसका बहुत इन्फ्लुएंस भी था। तो नील्स बोर की जो, या उससे इन्फ्लुएंस लोगों की जो एक्सप्लेनेशंस हैं जिनमें हाइजनबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कहा जाता है कोपनहेगन इंटरप्रिटेशन। आमतौर पे जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ाई जाती हैं, जो जो लोगों ने बैचलर्स किया, वो ये वाला वर्जन पढ़ाया जाता है। उसमें उसमें ये होता है कि अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे, यानी अगर यहाँ पे आंखें नहीं लगी हुई, तो वेव की बजाय क्वांटम फिजिक्स में ना वेव फंक्शन होता है, ठीक है, जिसको आमतौर पे साई और इस, मतलब इसके ऑब्वियसली इसमें कुछ वेरिएबल्स भी हैं, लेकिन ये साई का सिंबल यूज़ करते हैं। तो वेव फंक्शन होता है जो कि जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है पार्टिकल की, इन इस केस में पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री की, कि वो कहाँ कहाँ मूव कर सकता है। और लेकिन मसला ये है कि इससे हम बता नहीं सकते कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी। हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी हम बता सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है कि वो यहाँ पे हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि इज़ गोइंग टू बी देयर फॉर श्योर, ठीक है। तो कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन में, या एक्सप्लेनेशन कहना चाहें इसको, ये होता है कि जब तक आपने ऑब्जर्व नहीं किया, यानी ऑब्जर्वेशन का मतलब है इंटरैक्शन, यानी वो कैमरा भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, आपने देख लिया कि उनका रिजल्ट्स एक जैसे थे, यहाँ पे मैं ब्लॉक भी कर सकता हूँ, तो जब तक वो मेजरमेंट नहीं होती, तब तक जो वेव फंक्शन है ना, वो स्मूथली वेव की तरह इवॉल्व करेगा, ठीक है। तो आई थिंक आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि वेव की तरह यहाँ से मूव करेगा और वेव वाला बिहेवियर होगा। जब वो मेजरमेंट होती है, फिर वो पार्टिकल जैसा बिहेवियर देता है, वो फिर जो वेव फंक्शन, पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वेव की तरह की, वो कोलैप्स, उसको कोलैप्स कहते हैं कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन, वो फिर एक पॉइंट पे लोकलाइज हो जाती है। तो ये जो हमें डॉट्स नज़र आते हैं, ये बेसिकली लोकलाइज हो जाती है। तो ये कोपेनहेगन, लेकिन अब इसमें देखें, ये बड़ी अजीब सी बात है कि मेजरमेंट जब
मेजरमेंट कर रहे हैं, इसको मेजरमेंट कहते हैं, तो मेजरमेंट कर रहे हैं तो फिर उसका बिहेवियर चेंज हो गया, मेजरमेंट नहीं कर रहे फिर वो वेव कितना बिहेव कर रहा है. तो ये कॉमन है, ये टेक्स्ट बुक, दिस इज़ अ टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन. लेकिन इसमें अब एक और चीज़ भी है. अब ये जब हम यहाँ पे आँख लगा देते हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेजरमेंट. लेकिन इसमें वो जो जो अभी यहाँ पे वेव फंक्शन फैला हुआ था, ठीक है, इसके बाद वो वेव फंक्शन रिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, फिर वो दोबारा से फैलेगा. लेकिन यहाँ पे हमें पॉइंट्स नहीं मिलते क्योंकि यहाँ पे कोई स्क्रीन नहीं है, ठीक है. तो ये उस तरह की मेजरमेंट है जो डिस्ट्रॉय नहीं करती. तो दो तरह की मेजरमेंट होती हैं आमतौर पर. एक होती है जो ये वाली, ये भी एक मेजरमेंट है, ये स्क्रीन को हिट किया तो वो फोटोन डिस्ट्रॉय हो गया और आपके पास डॉट आ गया, ठीक है. तो ये तो दिस इज कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन. लेकिन इसमें मसाइल है. मसला ये है कि मतलब ये दो तरह का बिहेवियर क्यों है, एक ही तरह की डायनामिक्स, एक ही तरह की मूवमेंट होनी चाहिए और उससे ये दोनों चीज़ें एक्सप्लेन होनी चाहिए. इसको मेजरमेंट प्रॉब्लम कहते हैं. और ये मेजरमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फिर और इंटरप्रिटेशंस या और एक्सप्लेनेशंस आती हैं, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे. आप में से कुछ लोगों ने कुछ और इंटरप्रिटेशंस की तरफ इशारा किया था लेकिन मैंने शायद उन्हें रोक दिया. तो उस साइड से कुछ लोगों ने और यहाँ से कहा था कि सिर्फ ये बात मैटर करती है कि जब फोटोन हिट कर रहा है या जब वेव फंक्शन कोलैप्स हो रहा है उस वक्त यहाँ पर क्या सेटिंग थी. तो इस इंटरप्रिटेशन को कहते हैं सुपर डिटर्मिनिज्म. यहाँ पे किसी ने शायद इसका जिक्र भी किया और अभी हम देखते हैं इसको सुपर डिटर्मिनिज्म क्यों कहते हैं. अच्छा, सुपर डिटर्मिनिज्म का मतलब ये है, देखें यहाँ पे जब आपने सेटिंग चेंज की है, ये तो एक्सपेरिमेंटर का डिसीजन है ना. तो एक्सपेरिमेंटर का डिसीजन यहाँ पे, और ये हो सकता है ये स्क्रीन बहुत फासले पे हो, दिस स्क्रीन कुड बी वेरी वेरी फार अवे, इतनी दूर हो कि वहाँ से यू नो लाइट को कम्युनिकेट करने में भी टाइम लगे. और यहाँ पे आप फोटोन बिल्कुल हिट करने वाला है और यहाँ पे आपने सेटिंग चेंज कर दिया है, लाइट भी ट्रैवल करके पीछे नहीं, मतलब सिग्नल नहीं भेज सकते आप वहाँ से कि सॉरी यहाँ से अगर आप फ़ौरन सिग्नल भेजेंगे तो सिग्नल पहुँचते पहुँचते वो फोटोन डिस्ट्रॉय हो गया होगा, ठीक है. तो सुपर डिटर्मिनिज्म जो है ये, इसमें ये बात है कि दिस इज़ ऑल्सो नॉन लोकल, यानी यहाँ पे हमने सेटिंग चेंज की है और यहाँ पे जो आउटकम आना था वो चेंज हो गया, हालांकि वो इतने फासले पे था कि लाइट को भी वहाँ जाते हुए हो सकता है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता. तो दिस इज़ सुपर डिटर्मिनिज्म. और मैंने जैसे हिंट दिया कि दिस हैज़ नॉन लोकेलिटी, यानी यहाँ पे हम कुछ कर रहे हैं तो उससे बहुत आगे जाके इन्फ्लुएंस हो रहा है, हालाँकि फोटोन गुजर गया हुआ था. तो एक इसमें ये अजीब सी बात है. फिर इसमें ये अजीब सी बात है कि ज़रा सॉरी दोबारा पूछें, ये जो अभी आपने एक्सप्लेन किया है तो ये आई जस्ट वांट टू नो कि ये बिहेवियर क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हैं इसको. सॉरी, कौन सा बिहेवियर? ये जो सुपर डिटर्मिनिज्म का आपने कहा कि यहाँ पे अफेक्ट है तो उसका अफेक्ट उधर भी हो रहा है. ये एक्सप्लेनेशन है, ये दिस इज लाइक अ यू नो, ये इंटरप्रिटेशन देते हुए यू मेक अ कंजेक्चर एंड देन यू ट्राई टू सी कि इफ इट्स कंसिस्टेंट विद ऑल द एक्सपेरिमेंट्स. ओके, ठीक है. तो अभी इसका जवाब नहीं है मेरे पास. ये सम ओवर हिस्ट्रीज वाली अप्रोच नहीं है ये सुपर डिटर्मिनिज्म, आप इसे क्यों कह रहे हैं कि ना पूरी की सारे सिर्फ पाथ हो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट से डिटर्मिन होते हैं, सारे पाथ्स टेक करता है पार्टिकल और पाथ्स जो है ना वो टाइम उसमें इंक्लूड नहीं होता, टाइम मैटर नहीं करता उसमें. तो अगर आपने उसके लगने से पहले आपने एक ब्लॉक कर दिया आपने, तो पाथ सारे इनएक्सेसिबल हो गए उसके लिए. ठीक है, तो वो जो है चाहे फोटोन गुजर भी गया हो, ठीक है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट डिटरमिन करते हैं पाथ्स को, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सिर्फ एक स्लिट से जा रहे हैं तो वो सिर्फ वही पाथ काउंट होंगे. हाँ, लेकिन इसमें इसको सुपर डिटर्मिनिज्म इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे इसको ब्लॉक करते हुए या कुछ और करते हुए यू नो एक्सपेरिमेंटर इन्वॉल्व है. एक तरह से क्लेम ये हो रहा है सुपर डिटर्मिनिज्म पे कि मैं जो एक्सपेरिमेंटर था, मेरा डिसीजन यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने कैमरा लगाना है या नहीं लगाना, या यहाँ मैंने मेजर करना है या नहीं करना, वो डिसीजन कोरिलेटेड है आउटकम से. आपको बात समझ आ रही है? ये बहुत बड़ा क्लेम है कि मेरा जो डिसीजन है कि यहाँ पे मैंने चॉइस लेनी क्या लेनी है, वो
एक्सपेरिमेंटल आउटकम के साथ पहले ही डिटर्मिन है. इसका मतलब यह है कि एक तीसरा हिडन वेरिएबल है, बाय द वे ये भी हिडन वेरिएबल थ्योरी है, इसमें हिडन वेरिएबल हैं. वो तीसरा हिडन वेरिएबल है जो मुझे बता रहा है कि तुम ये सेटिंग रखो, और जो फोटोन को बता रहा है कि तुम यहाँ हिट करना है. तो ये बड़ा बहुत बड़ा क्लेम है. और इसको मैं एक इसका कैरिकेचर बनाऊँ, अगर लेट्स से आपने ये चेक करना है स्मोकिंग जो है उससे कैंसर होता है नहीं होता, ठीक है. आप चूहे लेते हैं, 200 चूहे लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को आप स्मोक एक्सपोज करते हैं, दूसरे को नहीं करते. फिर आप स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, स्मोकिंग वालों को ज़्यादा कैंसर होता है, दूसरे वालों को नहीं होता. तो सुपर डिटर्मिनिज्म पे आप इस तरह का क्लेम सुपर डिटर्मिनिज्म को यूज़ करते हुए आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि एक तीसरा वेरिएबल है जिसने मुझे कहा था कि इन वाले रैट्स को स्मोक देना है, और जिसकी वजह से इन रैट्स को कैंसर हो गया. तो ये इसको फिर कहते हैं एक कॉन्स्पिरेसी टाइप कोई बन रही है. तो रैट्स को मतलब कैंसर तो स्मोकिंग से ही हुआ है ना, स्मोक से ही हुआ है ना. नहीं, ये तो चाहे मैं लेता ना लेता, हाँ नहीं, लेकिन तो फर्क नहीं पड़ता. मैं ये चूहो वाली एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दिस इज सो ऑब्वियस टू अस. लेकिन सुपर डिटर्मिनिस्टिक आर्ग्यूमेंट से हम ये क्लेम कर सकते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि रैट्स क्वांटम है नहीं, मैं सिर्फ आपको ये कितना एब्सर्ड है ये बताने के लिए ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो जो मैंने एग्जांपल दिए हैं वो इससे एनालॉजस है. सर एक क्वेश्चन है कि जो ट्रीटमेंट की आपने बात की है, क्या ये किसी एक डिसिप्लिन जैसे यूर सर, ये जैसे आपने अभी बात की है ये सुपर डिटर्मिनिज्म की, ये थ्योरी बिल्डिंग के अंदर एक लाइन ऑफ थॉट है जी, क्या इसको एक डिसिप्लिन से किसी दूसरे डिसिप्लिन में या मल्टीपल डिसिप्लिन में आप प्लेस करके थ्योरी बिल्डिंग कर सकते हैं? अच्छा सवाल है. हाँ, कर सकते हैं. इन प्रिंसिपल बहुत सी थ्योरीज जो है ना, बहुत सी इनोवेशन इसी तरह आती है कि आप किसी और एरिया के आइडियाज़ लेके आते हैं और अपने एरिया में इंप्लीमेंट कर देते हैं. तो ये एनालॉजी बनाना, दिस इज़ अ गुड टेक्निक, दिस इज़ अ गुड टूल फॉर अ साइंटिस्ट. थ्योरी बिल्डिंग के कुछ सर्टन टूल्स के बारे में जो आई एम गोइंग बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द लेक्चर. थ्योरी बिल्डिंग के कुछ ऐसे एसेंशियल इंपॉर्टेंट टूल्स जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर या ओवरलैपिंग डोमेन्स में या डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, कुछ जो नेम अ फ्यू. देखें, जो मेन पॉइंट है थ्योरी बिल्डिंग में वो यही है कि उसमें इंटरनली कंसिस्टेंट होना चाहिए थ्योरी को, ठीक है. और जो थ्योरी के अंदर जो आपके जो ऑब्जर्वेबल जो चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इट शुड कोरिस्पॉन्ड टू सम रियलिटी. वो कोई ऐसी कोई कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आप मेजर ही नहीं कर सकते इन प्रिंसिपल. तो ये कुछ बेसिक से हैं. और ठीक है, हम इस पे दोबारा बात कर सकते हैं. हाँ, कमिंग बैक टू द डिस्कशन, सुपर डिटर्मिनिज्म पे कोई और बात करना चाह रहा है? इसके अलावा दिस इज़ नॉट द ओनली एक्सप्लेनेशन. अभी मैं 3-4 और रखूँगा, फिर आपकी मर्ज़ी, आप कौन सा लेते हैं या किस में और सवाल करना चाहते हैं. जी, सुपर डिटर्मिनिज्म तो लोकल नहीं होती, इसमें तो नॉन लोकेलिटी है ही नहीं सुपर डिटर्मिनिज्म में, लोकल रियलिज्म है सुपर डिटर्मिनिज्म के अंदर, यही है ना. कैसे एक्सप्लेन करें प्लीज? मतलब वो तीसरी ऑल्टरनेटिव है ना हमारे पास, लोकल रियलिज्म फॉल्स हो गया. हाँ, नहीं, लेकिन स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस नहीं ले रहे इसके अंदर, तो लोकल रियलिज्म दोनों को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसमें तो नॉन लोकेलिटी की जरूरत ही नहीं है हमें सुपर डिटर्मिनिज्म. नहीं, मैं इसमें आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ मैंने डिसीजन दिया और यहाँ कुछ हो गया, तो क्या आप कह रहे हैं कि वो जो तीसरा जो हिडन वेरिएबल था लैम्डा, इसका लोकली यहाँ से कनेक्शन है और यहाँ से कनेक्शन है? हाँ, बना सकते हैं. हाँ, तो इसमें ये है कि क्योंकि आपका मेजरमेंट की चॉइस आपके आउटकम से पहले से रिलेटेड है, तो कोई इसमें नॉन लोकेलिटी की जरूरत ही नहीं है आपको. हाँ, कि आप उधर मेजरमेंट के लिए कोई एक स्लिट बंद करें आप और उसी टाइम एकदम से इन्फ्लुएंस चला जाए स्क्रीन. इसको आप ना इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट जो कर रहा है और जो आउटकम आ रहा है उसके आप बहुत पीछे चले जाएं पास्ट में, तो एक कॉमन कॉज है. हाँ, तो ये सुपर डिटर्मिनिज्म वाले जो अप्रोच लेके आते हैं वो ये भी कहते हैं फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती फॉर दिस रीज़न. तो आप ठीक कह रहे हैं, लोकल बना सकते हैं. इस पर कोई और अगर कुछ पूछना चाह रहा है, नहीं तो अभी पूछें, वरना मैं और कुछ और वर्जन आपको बताऊँगा कि किस तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है. अच्छा, अब ये है कि ये वैसे तो बड़ा बिजार सा लग रहा है, लेकिन सुपर डिटर्मिनिस्टिक वर्जन भी मुझे ऑल्दो पसंद नहीं है, लेकिन it explain, you know, it is one way to explain this and some other experiments. अब वो अलग बात है कि अभी इस पर इतना काम नहीं हुआ mathematically, it's not as good as the other interpretations which I'm going to talk about very briefly. लेकिन ये भी एक popular choice है,
there's a professor in Oxford working on this. There are some people in Germany, and I think next week there's a talk on superdeterminism in philosophy of physics in Oxford. अच्छा बस मैंने जो ये अपनी explanation दी थी ना मैं superdeterminism उसको नहीं बनाना चाह रहा उसे मैं ठीक है मैं मुझे भी ये सही नहीं लगती superdeterminism okay. मैं कुछ इस तरह की बात करूँगा कि non-locality है मैं ये कह दूँगा कि non-locality लेकिन मैं superdeterminism नहीं okay. चाहता ठीक है ठीक है मैं non-locality यानी आप कह रहे हैं non-locality हो superdeterminism ना ठीक है उसकी एक non-local ठीक है उसकी एक बहुत अच्छी थ्योरी अवेलेबल है जिसको कहते हैं पायलट वेव थ्योरी पायलट वेव थ्योरी या फिर बोमियन मैकेनिक्स ये डेविड बोम एक फिजिसिस्ट था उसने 1950s में ये प्रपोज की थी और तो जब आइंस्टाइन ने अपना पेपर लिखा कि हिडन वेरिएबल्स की ज़रूरत है तो डेविड बोम ने फिर उस तरह की थ्योरी बनाई लेकिन उसमें मसला ये था कि नॉन लोकेलिटी थी एंड दैट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल अच्छा इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ क्योंकि ये आमतौर पर टेक्स्ट बुक्स में नहीं लिखी होती बोमियन मैकेनिक्स में ये होता है मतलब हम अभी डिबेट कर रहे थे कि पार्टिकल है या वेव है बोमियन मैकेनिक्स कहती है दोनों हैं तो वो कहती है कि एट द सेम टाइम हाँ लेकिन वो थोड़ा सा उनमें डिफरेंस है बोमियन मैकेनिक्स कहती है कि वो जो वेव जिसको हम वेव फंक्शन कहते हैं ना ये वाला ये आमतौर पर कुछ लोग कहते हैं ये प्रॉबिबिलिटी वेव्स हैं या कुछ और हैं लेकिन बोमियन मैकेनिक्स कहती है ये एक एक्चुअल वेव है ठीक है यू नो दिस इज जस्ट लाइक अ वाटर वेव वो हम डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकते बट दिस इज देयर और ये भी हिडन वेरिएबल थ्योरी है क्योंकि डायरेक्टली हम हिडन वेरिएबल्स को नहीं मालूम कर सकते तो वो कहती है कि ये मैं इस तरह बना रहा हूँ आप जैसे मर्जी बनाना चाहें पार्टिकल तो एक है लेकिन वेव भी है साथ वेव जो है ना वो पार्टिकल को गाइड करती है ठीक है और जो सारा जो नॉन लोकल चेंज है वो वेव में आता है जिसकी वजह से पार्टिकल भी डिफरेंट बिहेव करता है तो यहाँ से गुजरने के बाद दो स्लिट्स हैं ना दो वेव बन जाएंगी दो वेव बन जाएंगी लेकिन वो आपस में कोरिलेटेड होंगी इस तरह से कुछ बन जाएगा लेट्स से फिर इस तरह से कुछ बन जाएगा और इनका आपस में लिंक है और पार्टिकल इनमें से किसी में भी हो सकता है अभी मैं इसको इधर बना देता हूँ ठीक है अब ये इस तरह जा रहा है और ये पार्टिकल इनमें से कहाँ पर होगा ये थोड़ा सा आई थिंक रैंडम है और ये रैंडम क्यों है क्योंकि हमारे पास वो हिडन वेरिएबल की एक्सेस नहीं है ठीक है लेकिन इन प्रिंसिपल दिस इज डिटर्मिनिस्टिक अच्छा फिर होगा ये कि ये वेव आगे मूव कर रही है अब यहाँ पे हम जब ब्लॉक करेंगे ना या आंख ले आएंगे तो ये और ये वेव जो है ना ये पूरी स्प्रेड आउट ये इस तरह नहीं मूव कर रही है पूरी स्प्रेड आउट हो रही है तो यहाँ पे कुछ चेंज आएगा तो नॉन लोकली जब ये पार्टिकल हिट करने लगेगा ना तो यहाँ पे ये वेव का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और उस स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से वो अगर इंटरफेरेंस बनने वाला था पहले तो वो आपके पास वो पार्टिकल वाला बिहेवियर वो स्लिट आ जाएगी तो इसको बोमियन मैकेनिक्स कहते हैं अगेन इसकी सारी प्रिडिक्शंस वही हैं जो कि ट्रेडिशनल क्वांटम फिजिक्स की हैं और इसमें हिडन वेरिएबल्स हैं जैसा मैंने कहा कुछ सारे वेरिएबल्स आप मालूम नहीं कर सकते नॉन लोकल है क्योंकि यहाँ पे आप कुछ करेंगे तो यहाँ पे फ़र्क पड़ जाएगा तो दिस इज़ बोमियन मैकेनिक्स तो जो शहरियार ने कहा था कि नॉन लोकेलिटी ठीक है लेकिन सुपर डिटर्मिनिज्म नहीं चाहिए तो दिस इज़ वन ऑप्शन अच्छा मेरा क्वेश्चन इसमें यह है कि अगर आपने इसको आगे से ब्लॉक कर दिया जी तो सेकेंड वेव का आप कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर चेंज होगा जिसकी वजह से आगे फिर इंटरफेरेंस नहीं होगी तो स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से इस तरह नहीं हो सकता कि जिस तरह वेव की कोई डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाए या कोई मतलब इंटरफेरेंस हो लेकिन इंटरफेरेंस का पैटर्न थोड़ा सा मुख्तलिफ बन जाए सॉरी दोबारा बोलें मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने उस दूसरी वाली जगह पे आपने वो स्लिट के आगे वो बैरियर लगा दिया तो उससे जो दूसरी वाली वेव थी उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया जी तो आगे जब दोनों ने वेव्स ने इंटरफेयर करना है तो पहले वो बिल्कुल एक यूनिफॉर्म तरीके से इंटरफेयर कर रही थी अभी थोड़ी सी वो अलग हो गई है उसका स्ट्रक्चर तब्दील हो गया नहीं देखें इफेक्टिवली तो वही हुआ ना मैंने बताया नॉन लोकल है इंस्टेंटेनियसली वो चेंज हो जाएगा और एसेंशली वही पैटर्न आएगा वेव फंक्शन का जो कि नॉर्मल वेव फंक्शन का होता है ठीक है जी अच्छा ये फोटोन अगर आपका ऊपर पोर्शन में हो जो जी ठीक है हाँ अगर वहाँ पे आप उसको स्प्लिट लगाते हैं ब्लाइंड करते हैं तो हाउ इट बिहेव्स देन हाउ क्या होगा बहुत अच्छा सवाल हाउ इट बिहेव्स देन हाँ बहुत अच्छा सवाल है अगर यहाँ पे हम ये लगा देते हैं ना तो ये वाली ब्रांच तो वैसे ही मैंने बताया ना खत्म हो जाएगी इसको लगाने से और ये जो पार्टिकल है ना
ये इस वेव से गाइड होता हुआ इधर आ जाएगा, इसलिए तो इसको पायलट वेव थ्योरी कहते हैं। वो जो वेव है ना वो गाइड कर रही है उसको। आपने छोड़ना नहीं है। अच्छा अब हम थोड़ा से और पॉपुलर वर्जन की तरफ। अब जो लोग कुछ पॉपुलर वर्जन पढ़ते हैं तो उसमें एक बड़ा मशहूर है मैनी वर्ल्ड्स, मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। और ये मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन ऑक्सफर्ड में बहुत पॉपुलर है, ऑक्सफर्ड में फिलॉसफी डिपार्टमेंट में खासतौर पे, जो इसके जो सबसे बड़े प्रोपोनेंट्स हैं वो। और तो ऑक्सफर्ड में लोग अज्यूम करते हैं कि आप इस पर बिलीव करते हो वरना आपको क्वांटम फिजिक्स नहीं आती। तो अच्छा मैनी वर्ल्ड्स में ये होता है, मैनी वर्ल्ड्स में ये होता है कि आप में से किसी बहुत यंग स्टूडेंट ने कहा था कि वो दो हो जाते हैं, है ना? किसने कहा था? हाँ आपने कहा था, हाँ इन्होंने कहा था। तो वो मैनी वर्ल्ड्स वाली इंटरप्रिटेशन थी। उसमें ये होता है कि इवन दो वी हैव अ सिंगल पार्टिकल, अगर उसके पास दो चॉइसेस है ना तो पार्टिकल दो होने की बजाय ना आपका यूनिवर्स के दो कॉपीज बन जाएंगी। एक एक यानी एक यूनिवर्स में पार्टिकल इधर जा रहा है, एक में उधर जा रहा है, और दोनों रियल हैं। आपको एक आपको आपको अगर यहाँ पे आप आंख लगाएं किसी एक साइड पे या दोनों साइड पे, तो आपको एक इसलिए नज़र आता है क्योंकि आप एक आपकी एक कॉपी जो है ना वो एक यूनिवर्स में है और दूसरी कॉपी दूसरे में है। तो मैनी वर्ल्ड्स में होता है कि इट इज़ ऑलवेज वेव फंक्शन, वो जो कोलैप्स होना था ना वो होता नहीं है। तो मैनी वर्ल्ड्स में भी देखें क्या होगा, यहाँ से फोटोन जा रहा है, यहाँ पे ये दो ऑप्शंस हैं, दो यूनिवर्सेस बन गए, एक में फोटोन यहाँ जा रहा है, एक पे यहाँ जा रहा है, और एंड पे जाके वो जो कॉपीज़ हैं ना दे कैन ऑल्सो इंटरफेयर, तो वो कॉपीज़ आपस में मर्ज हो रही हैं। तो और उसमें भी सारी जो एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स हैं वो सेम होंगे। अगर हम यहाँ पे लगा दें एक आंख लगा दें तो उसमें जो है वो आपके जो एक ब्रांच है ना वो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो नीचे चली जाएगी, ठीक है? तो उसमें भी आउटकम्स, लेकिन अभी लेकिन इसके मसाइल हैं मैनी वर्ल्ड्स के। इसमें क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में हमें पता है लैब में प्रोबेबिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि सारे आउटकम्स होंगे तो फिर प्रोबेबिलिटीज़ का क्या रोल है, वो ये ज़रा मुश्किल सवाल है। और तो ये है मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। और तो ये जो कोपेनहेगन पायलट वेव मैनी वर्ल्ड्स, ये मेन स्ट्रीम इंटरप्रिटेशन। इसके अलावा और भी हैं, आई रोज आती रहती हैं क्योंकि अभी इस पर एग्रीमेंट नहीं है। जी अच्छा, ये मैनी वर्ड्स में अगर आया दो ऑब्जर्वर है तो दोनों ये डिटरमिन करें कि दोनों पार्टिकल दोनों ने यहाँ से गुजर गया है। सॉरी आप कह रहे हैं आंखें, दो ऑब्जर्वर हैं, दो ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो दोनों विल डिटरमिन के पार्टिकल हैज पास्ट। हाँ एक को ये नजर आएगा, एक को ये नजर आएगा, दोनों को साइमल्टेनियसली नजर आएगा, दोनों रियल है, लेकिन आप एक यूनिवर्स में हैं तो आपको एक ही नजर आएगा। अच्छा मैं आइदर वो उस यूनिवर्स पे हूँ या इस यूनिवर्स पे हूँ। देखें आपकी दो कॉपीज हैं और दोनों ठीक हैं, वो दोनों जिंदा हैं, ये मैनी वर्ल्ड्स वाले। तो इसमें फिर मोरालिटी और इस तरह की चीज़ें चैलेंज होती हैं कि फिर कुछ भी कर लें। ठीक है, ये वैसे वो मेटाफिजिक्स की तरफ हम चलेंगे इस थोड़े से। जी अच्छा, इसमें जो वो वाला थॉट एक्सपेरिमेंट था कि गुजरने के बाद हमने ब्लॉक कर दिया स्लेट या गुजरने के बाद ऑब्जर्वर लगा दिया हटा दिया, तो वो मैनी वर्ल्ड्स में किस तरह एक्सप्लेन होता है? हाँ ये एक अच्छा सवाल है। किस तरह करेंगे? मैं सोचना चाह रहा हूँ कि वो निकल गया है और देखिए जब तक आपने नहीं लगाया तब तक वो दो यूनिवर्सेस तो हैं। नॉन लोकेलिटी क्योंकि हाँ गुजर गया तो डिटरमिन तो हो गई वो दोनों यूनिवर्सेस। उसका जवाब पता क्या? उसका जवाब ये है कि मैनी वर्ल्ड्स में ना ये भी होता है कि एक यूनिवर्सल वेव फंक्शन है। तो अगर कोई ऑब्जेक्टिवली आपको देख सकता है ना आपके वेव फंक्शन को जिसमें आप स्प्लिट हो रहे हैं तो उसके लिए वो लोकल है, लेकिन आप क्योंकि एक वर्ल्ड में है आपके लिए ये अपेरेंट नॉन लोकेलिटी है। तो जो मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन में डिवाइड है ज़रा, कुछ लोग कहते हैं नॉन लोकल है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। मेरे ख्याल है ज़्यादातर कहते हैं कि लोकल है। क्यों? क्योंकि वो लोकेलिटी को एक वर्ल्ड में नहीं देख रहे, वो ओवरऑल देख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि तीन वर्ल्ड्स बन जाएं। अगर तीन ऑप्शंस देंगे तीन वर्ल्ड्स बन जाएं। पहले गुजर के फोटॉन्स उनमें दो वर्ल्ड्स बन गए। नहीं नहीं और फिर जब लगाया तो फिर एक और वर्ल्ड बन गई उससे। क्योंकि उसमें तो नॉन लोकेलिटी तो नहीं है ना। अच्छा इसको मैं एक इसमें से आपके आर्ग्यूमेंट को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं। आई एम नॉट श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प दिस कन्वर्सेशन, लेकिन
अच्छा वैसे ये जब यहाँ पे आएंगे जब हिट करेंगे सॉरी सिंगल स्लिट पे, लेट्स से हमारे पास सिंगल स्लिट है तो उसमें भी तो हमारे पास ये एक चांस है कि यहाँ हिट करेगा, थोड़ा सा नीचे करेगा, थोड़ा सा या राइट तो जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं उतनी स्प्लिटिंग्स होंगी। तो मैनी वर्ल्ड्स में अगर आपके पास ये आई थिंक ये वाला एक्सपेरिमेंट इतना अच्छा नहीं है मैनी वर्ल्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए। आमतौर पे वो इंटरफेरोमीटर बनाते हैं जिसमें स्ट्रिक्टली दो मतलब दिस इज ऑल्सो एन इंटरफेरोमीटर लेकिन वो मैनी वर्ल्ड्स में सीक्वेंशियली इन टाइम चीजें हो रही हैं मैनी वर्ल्ड्स में, उसमें कोई हम इनिशियल फाइनल पाथ पूरा पाथ नहीं देख रहे उसके अंदर। मैनी वर्ल्ड्स एक नॉर्मल सी इंटरप्रिटेशन है उस सेंस में, टाइम उसमें लीनियरली आगे चल रहा है। तो उसमें ये हो सकता है कि उसमें एक दफा फोटॉन्स गुजर के उनकी एक एक अपनी बन गई डबल स्लिट, अगर हम देख रहे हैं एक ऊपर से गुजरा एक नीचे से गुजरा दो वर्ल्ड्स बन गई, फिर बाद में किसी ने डिसाइड किया कि यार मैं इस पे लगा देता हूँ, कोई आंख लगा देता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ, देखो आपने उससे एक और वर्ल्ड बन गई कि जिसमें ऐसा पैटर्न बना कि जिसमें सिर्फ एक ही स्लिट वो थी। हाँ नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जितनी जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज आप बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग्स होंगी, क्योंकि आप एक वर्ल्ड के अंदर हैं तो आपको एक आउटकम नजर आएगा। और तो ये तो मैनी वर्ल्ड्स की ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। सबके दरमियान डिस्टिंग्विश करने का कोई तरीका है, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट आया है कि हम इन चार पांच के दरमियान डिस्टिंग्विश कर सकें, कैसे करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। अभी तक तो सक्सेसफुली कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है, लेकिन आजकल कुछ एक्सपेरिमेंट्स पे काम हो रहा है जिसपे विग्नर्स फ्रेंड जिसको कहते हैं, तो उसमें कुछ इंटरप्रिटेशंस अगर वो एक्सपेरिमेंट उस तरह से हो जाता है, उसकी अजम्पशंस बहुत स्ट्रांग है बाय द वे, उसकी अजम्पशंस इतनी स्ट्रांग है कि मुझे नहीं लगता वो हो सकता है, मुझे वो बहुत ज़्यादा आइडियलाइज लगता है, लेकिन अगर वो एक्सपेरिमेंट्स हो जाते हैं तो कुछ इंटरप्रिटेशंस रूल आउट हो जाएंगी, जो रूल आउट नहीं होंगी उनमें मैनी वर्ल्ड्स शामिल है, यानी ये दिस इज़ स्टिल इन सेफ। इस तरह फिर रिलेशनल क्वांटम मैकेनिक्स वो आई थिंक कोई कंसिस्टेंट हिस्ट्रीज की बात कर रहा था, ये जो पर्सपेक्टिव्स वाली इंटरप्रिटेशंस है ना ये बच जाएंगी उसमें, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट मुझे नहीं लगता आज अगले 20 साल में भी पॉसिबल है। रिलेशनल एक्सपेरिमेंट रिलेशनल में यहाँ से जब फोटोन गुजरता है वो फिर इसके साथ एंटेंगल हो जाता है, ठीक है। अगर दो स्लिट्स हैं तो दो स्लिट्स के साथ वो सुपरपोजिशन बन जाएगी, ठीक है। और ठीक है सुपरपोजिशन बन गई, लेकिन यहाँ जाने से पहले आपने वो कुछ यहाँ लगा दी है, ठीक है। अब वो जो यहाँ पे आपने ब्लॉक किया ना, इसका इसके साथ इंटरेक्शन हुआ है, उस इंटरेक्शन की वजह से और ये वाली जो स्लिट है ये एंटेंगल हुई भी थी फोटोन के साथ, तो इस इंटरेक्शन ने इसको कोलैप्स किया और वो कोलैप्स हो गई है। आपको बात समझ आ रही है? इट्स लाइक दे आर इंटरेक्शंस, और ये क्योंकि एंटेंगल हो गया था फोटोन के साथ तो आपने अगर इसको इन्फ्लुएंस किया, चाहे आंख से किया चाहे ब्लॉक करके किया, वो फोटोन भी इन्फ्लुएंस हो जाएगा। हाँ सो ये रिलेशनल, ये मैंने बाय द वे ऑन द स्पॉट बनाई है, इट कुड बी मोर नुआंस्ड। अच्छा अब बस आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू टू और थ्री स्लाइड्स एंड देन इफ समवन वांट्स टू आस्क मोर क्वेश्चंस We can talk. So, why do we still need to make sense of it? Again, ये इन सारी interpretations के हक में और इनके खिलाफ बहुत लंबी लंबी debates हैं, और अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि ये डिबेट्स बेकार हैं, इसकी वजह से रिसर्च मतलब एप्लीकेशंस पे फोकस करें, और इसकी वजह से वही बात है कि मेटाफिजिकल डिबेट्स हो जाती हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है इस तरह के, और एंड दे आर इन द मेजॉरिटी हु थिंक दैट वी डोंट नीड दिस काइंड ऑफ डिबेट्स। और लेकिन आई होप कि अभी तक हमारी जो डिस्कशन हुई उसने आपको थोड़ा सा क्लियर क्लैरिफाई कर दिया कि इट्स वेरी नुआंस्ड, और इसमें देर मैनी डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, और कुछ बहुत ज़्यादा अजीब हैं, कुछ हमारी इंट्यूशन को हिट करते हैं, लेकिन यू सी सम इन्फ्लुएंशियल प्रोपोनेंट्स ऑन ऑल दीज साइड्स, कुछ ज़्यादा पॉपुलर हैं मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। यस सॉरी सॉरी आप पूछ रहे हैं कि मैं कौन सी प्रेफर करता हूँ, मुझे रिलेशनल क्वांटम मैकेनिक्स जो कि आप मैनी वर्ल्ड्स का ही एक डिफरेंट रीडिंग है वो अच्छी लगती है, उसमें आपके पास स्प्लिटिंग नहीं होती इस तरह की, इतने सारे वर्ल्ड्स नहीं बनते, वो मुझे अच्छी लगती है, वो थोड़ी ज़रा नई इंटरप्रिटेशन है और उस पर अभी मेरा ख्याल है काफ़ी काम होने वाला है, तो सो मेरा उसमें इंटरेस्ट है।
अच्छा अब मैं थोड़ी सी बस एक स्लाइड में आई वुड लाइक टू टॉक कि ये मेरे काम से किस तरह रिलेट करता है. तो अभी इस डिस्कशन में भी आई होप ये बात हाईलाइट हुई होगी कि जो फिज़िक्स की जो थियोरीज होती हैं जो प्रिवेलिंग जो व्यू है वो यही है कि देर आर सम थिंग्स, वो थिंग्स वेव्स हो सकती हैं, पार्टिकल्स हो सकती हैं, यानी देर आर सम ऑब्जेक्ट्स एंड दे मूव और दे इवॉल्व और दे इंटरैक्ट, राइट. तो इवॉल्व का वर्ड मैंने यूज़ किया लेकिन दिस कुड बी मूवमेंट, दिस कुड बी मोशन, दिस कुड बी इंटरैक्शन, दिस कुड बी मेजरमेंट, वट एवर, राइट. तो लेकिन इसमें ये देखें जो थिंग्स हैं उनके बारे में पहले सोचा जाता है और एवोल्यूशन की बात बाद में आती है. सो थिंग्स को, चीज़ों को पहले जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है. वही बात के थिंग्स टेक प्लेस, टेक प्रेसिडेंस ओवर डायनामिक्स और इंटरेक्शन. लेकिन अब एक और व्यू पॉइंट भी है, ये आज का व्यू पॉइंट नहीं है, दिस गोज बैक, ये तो प्री सोक्रेटिक्स के ज़माने की डिबेट है. तो इसमें इंटरेक्शन पहले आता है. इंटरेक्शन को आप जब आप थियरी बनाते हैं तो इंटरेक्शन की बात पहले करते हैं. ऑब्जेक्ट्स जो हैं या थिंग्स जो हैं दे इमर्ज आउट ऑफ द इंटरेक्शंस. सो इसका जो प्रिवेलिंग जो मैथमेटिकल टूल बॉक्स है उसको प्रोसेस थियरीज कहते हैं. तो मेरा जो काम है इट टेक्स अ प्रोसेस थियरी अप्रोच टू क्वांटम फिजिक्स एंड इट्स इंटरप्रिटेशंस. तो ये इंटरप्रिटेशंस पे आई डोंट थिंक किसी ने इस तरह से अप्लाई किया. तो ये मेरा, दिस इज़ लाइक पार्ट ऑफ माई PhD प्रोजेक्ट और आई होप इट मे हेल्प अस अंडरस्टैंड क्वांटम थियरी बेटर. जी ओके सर, मेरा बैकग्राउंड तो फिजिक्स से नहीं है. आई एम ए बिजनेस स्टूडेंट बट आई एम प्रीटी इंटरेस्टेड इन क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेशली क्वांटम कंप्यूटर्स. तो उस हवाले से मैं फिजिक्स से जो मोटे मोटे टॉपिक्स है लाइक द सुपरपोजिशन ऑफ क्यूबिट्स और द इंटेंगलमेंट, कोहेरेंस, इन चीज़ों के हवाले से पूछना चाहता हूँ. सर आपने शुरू में एक चीज़ पे फोकस किया था कि जो इंटेंगलमेंट की जो थ्योरी पेश हुई है जिसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला है उसमें थोड़े से मिस्टेक कुछ है इस तरह के. स्टिल इट इज़ अ शेकी थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट शेकी है अपने नेचर में? नहीं देखें, कुछ चीज़ों पर तो एग्रीमेंट है, ठीक है. नॉन लोकेलिटी पर एग्रीमेंट है. वो जो लोग कहते हैं कि नॉन लोकेलिटी नहीं है, दे हैव अ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ लोकेलिटी. तो देर आर सर्टेन थिंग्स जिस पे कंसेंसस है और नोबेल प्राइज़ आमतौर पे वो बहुत, दे आर वेरी केयरफुल, दे ट्राई टू यू नो, वो स्पेकुलेटिव चीज़ों पे नहीं देते. तो इस बात पे तो कंसेंसस है कि ये वाले एक्सपेरिमेंट्स जो मैंने थोड़े से डिस्कस किए और जो मैंने लास्ट टॉक में भी किए थे, ये कंसेंसस है कि आउटकम्स यही हैं, ठीक है. नॉन लोकेलिटी पे भी अगर आप डेफिनेशन चेंज करेंगे, फिर ऑब्वियसली अगर आपकी डेफिनेशन ही चेंज हो गई है लोकेलिटी की, फिर हो सकता है लोकल ना हो, ठीक है. जो मैंने अभी शहरिया को कहा था कि मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन में वो कहते हैं कि लोकेलिटी है, तो दे हैव अ स्लाइटली डिफरेंट वर्जन ऑफ लोकेलिटी जॉन बेल के मुकाबले में. और वो अगेन मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इट्स नॉट अ शेकी कॉन्सेप्ट, इट एग्जिस्ट्स एंड इट इज़ यूज्ड इन क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी. ओके सर, माई सेकेंड क्वेश्चन, जिस तरह आपने कहा कि क्वांटम इंटेंगलमेंट जो है ये ट्रांसपेरेंसी लाता है सिस्टम में, लाइक कि एक दो अगर फोटॉन्स से या इलेक्ट्रॉन्स जो भी एक दूसरे के साथ इंटेंगल थे तो एक की प्रॉपर्टीज़ चेंज होने से दूसरे के प्रॉपर्टीज़ में भी अल्टरेशन आती है, वो चेंज हो जाता है. तो क्या सुपर कंप्यूटर्स या सॉरी क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने के लिए हमें सुपरपोजिशन और डीकोहेरेंस, कोहेरेंस वाले टॉपिक्स, मतलब कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है, या इंटेंगलमेंट अपना किरदार अदा करता है बिल्डिंग सुपर कंप्यूटर्स? नहीं, क्वांटम कंप्यूटर्स नहीं, नहीं, ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है. ये इंटेंगलमेंट और कोहेरेंस और ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं. सो यू नीड टू हैव दीज, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग का एक बड़ा चैलेंज ही यही है कि कोहेरेंस को किस तरह मेंटेन, इफ़ यू हैव लॉट्स ऑफ क्यूबिट्स हाउ डू यू मेंटेन एंटेंगलमेंट, हाउ डू यू मेंटेन कोहेरेंस, ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं. तो हार्डवेयर लेवल पे इफ यू वांट टू वर्क ऑन दिस तो ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर नहीं, मतलब ये तो बड़ा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है. सर वन मोर क्वेश्चन, सर आपने जिस तरह बताया कि मैनी वर्ल्ड्स का कॉन्सेप्ट है और साइंटिस्ट मोस्टली जो क्वांटम फिजिक्स पे काम कर रहे हैं वो ये असम्पशंस दे रहे हैं कि हमारे जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेसेस है या बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो सारे क्वांटम प्रोसेसेस है, एक्सट्रीम लेवल क्वांटम प्रोसेसेस, कि वो हमारे रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं. इवन जो हमने क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए हैं, गूगल ने बनाए या IBM ने या चाइनीज ने बनाए हैं, वो इतने सफिशिएंट नहीं है कि वो रूम टेम्परेचर पे काम कर सके, उसमें नॉइज़ का प्रॉब्लम आता है, इसलिए उनको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के करीब ले जाके उनको उस
स्टेट पर, उस टेम्परेचर पर वो काम करते हैं। तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि हमें उन क्वांटम उसको क्यूबिट्स को अपने उसमें यूनिवर्स में लाना पड़ेगा, यानी अपने रूम टेम्परेचर पे लाना पड़ेगा कि वो हमारे रूम टेम्परेचर के साथ एडजस्ट होके हमारे लिए काम कर सके, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बहुत मुश्किल होता है, मतलब उसको मेंटेन रखना। ठीक है, दो सवाल आपने पूछे एक्चुअली। एक फोटोसिंथेसिस वाला, उस पर अभी बहुत ज़्यादा स्केप्टिसिज्म है उस पर, क्योंकि मेरा ख्याल है उसकी आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं विदाउट इन्वोकिंग एंटैंगलमेंट। जो लोग उस पर काम कर रहे हैं दे आर यू नो बीइंग वेरी करेजियस और वो उसमें से कुछ देखना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो एक्सप्लेनेशंस हैं यू कैन फाइंड बेटर एक्सप्लेनेशंस इन क्लासिकल फिजिक्स। दूसरा जो आपने सवाल पूछा, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो क्वांटम कंप्यूटिंग की ना, जो आप कह रहे हैं जो एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर्स पे होती हैं दे आर सुपर कंडक्टर्स। सो अभी आपको पता है सुपर कंडक्टर्स रूम टेम्परेचर पे नहीं बना, अभी वो एक होक्स सा आया था वो नहीं हुआ फिर, लेकिन और भी टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे फोटॉन्स को आप रूम टेम्परेचर पे कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स, तो फोटॉन्स के साथ आप कर, लेकिन इन सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ की अपनी जो हैं हैंडीकैप्स हैं। जो फोटॉन्स हैं उसको स्केलिंग का मसला है, बहुत बड़े स्केल पे आपके वो ऑप्टिकल सेटअप बहुत बड़ा हो जाता है, और जो सुपर कंडक्टर्स हैं उनका मसला वही टेम्परेचर वाला है, तो इनकी इट्स एन इंजीनियरिंग चैलेंज एज वेल। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा मैं हाँ सवाल पूछ लें, वरना मैं चाह रहा था कि इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड आई कैन शो यू सम बुक्स इफ़ यू वांट टू रीड मोर अबाउट दिस स्टफ, बट आई एम वेरी हैप्पी टू टेक क्वेश्चंस एज वेल, इट्स अप टू यू। जी हम सर, यू सर यू यूज़ अ प्रोसेस थ्योरी अप्रोच इन योर वर्क टू अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स, कुड यू एलैबोरेट ऑन दैट मोर? जी तो हाँ, तो प्रोसेस थ्योरी जो है उसमें यू नीड अ सर्टेन काइंड ऑफ मैथमेटिक्स विच इज़ कॉल्ड कैटेगरी थ्योरी। सो कैटेगरी थ्योरी में आमतौर पे जो मैथमेटिक्स की जो फाउंडेशंस पिछली सदी में ख़ास तौर पे रही है वो सेट थ्योरी की बेसिस पे, सेट थ्योरी और लॉजिक, और उसमें ये मैटर करता है कि सेट के मेम्बर्स कौन से हैं। ठीक है, तो वो जो लॉजिक और मैथमेटिक्स की जो इवन अरिथमेटिक की फाउंडेशन भी जो है, जो कि बर्टन रसल और फ्रेगा और व्हाइटहेड ने काम किया था, इट इज़ वेरी मच अबाउट ऑब्जेक्ट्स। लेकिन कैटेगरी थियोरी जो है वो इससे एक लेवल ऊपर चली जाती है, वो कहती है कि आई कैन कंसिडर सेट्स एंड ऑल द फंक्शंस ऑन द बिटवीन सेट्स, फंक्शंस और रिलेशंस, लेकिन जो सेट्स हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, जो रिलेशंस या फंक्शंस हैं और उसमें उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर उन फंक्शंस या रिलेशंस को कैसे कंपोज किया जाए, उसको प्रोसेस थ्योरी में आमतौर पे सीरीज़ कंपोजिशन होती है, और जिसको आप कह सकते हैं कि वो टाइम में कंपोज किया जा रहा है सीरीज़, और पैरेलल कंपोजिशन जो आप समझ रहे हैं कि स्पेस में कंपोजिशन आमतौर पर फिज़िक्स में इतना काफ़ी होता है, सो इसको कहते हैं प्रोसेस थ्योरी। और ये आप फिज़िक्स में थ्योरीज़ की बना सकते हैं, जो क्वांटम थ्योरी की तो कंप्लीट बन चुकी है, जिसमें आप तकरीबन सब कुछ जो आम क्वांटम थ्योरी से करते हैं वो कर सकते हैं। अब तो बल्कि उसको आहिस्ता आहिस्ता वो QFT की तरफ भी कुछ लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, और ये सिर्फ फिज़िक्स में अप्रोच नहीं है, ये बायोलॉजी में जो लोग बायोलॉजी सिस्टम्स बायोलॉजी जो पढ़ते हैं उनका भी जो व्यू पॉइंट होता है वो प्रोसेस थ्योरी वाला होता है। यू नो उसमें वो ये देखते हैं कि चीज़ें कंपोज कैसे करती हैं, यू नो यू कैन हैव सम ऑब्जेक्ट्स बट you don't worry about what's in the object, you worry about how they interact, and if you have all the interactions you can classify that object. To is tarah se, thank you. Okay, so just to show you some books, agar aapne popular jo log science mein jinka background nahi hai wo padhna chahte hain iski history aur is pe debates, this is a very nice book, I highly highly recommend it. Isme kafi history bhi hai, itni zyada physics ki explanation nahi hai, lekin wo debates isme bahut acche se highlight hai. थोड़ा सा अगर एडवांस पढ़ना है और मैथमेटिक्स के बगैर पढ़ना है तो ये किताब है फिलॉसफी ऑफ फिज़िक्स टिम मॉडलिन की, और अगर अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स पढ़ना है तो ये ट्रेविस नॉर्सन की टेक्स्ट बुक है, दिस इज़ फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड दिस इज़ फॉर सेल्फ स्टडी। तो फिर अगर आपने इन कुछ इंटरप्रिटेशंस पे फोकस करना है पायलट वेव थियरी के लिए, दिस इज़ अ वेरी नाइस टेक्स्ट बुक, और इसमें बाकी इंटरप्रिटेशंस पे भी ठीक ठाक क्रिटिसिज्म है, तो बिकॉज दिस इज़ रिटन बाय समवन हु इज़ अ प्रोपोनेंट ऑफ बोहमियन मैकेनिक्स। और इसी तरह ये ऑक्सफोर्ड में लिखी गई थी, मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन की आप समझ ले बाइबल है, दिस इज 500 पेजेस लॉन्ग, लॉट्स ऑफ मैथमेटिक्स, लॉट्स ऑफ प्रूफ्स, बट दिस इज लाइक यू नो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक फॉर दिस थिंग फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स।
अगर आपने प्रोसेस अप्रोच पढ़नी है तो उस पर भी टेक्स्ट बुक आ गई है. दिस इज़ अ टेक्स्ट बुक बाय माई सुपरवाइजर बॉब कोका. ये ऑक्सफर्ड में अंडर ग्रेजुएट को पढ़ाई जाती है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, जिन्होंने क्वांटम इन्फॉर्मेशन में जाना होता है. इसके लिए यू डोंट नीड टू नो क्वांटम मैकेनिक्स. यू नो यू कैन टेक इट, यू कैन टेक इट एज अ फर्स्ट कोर्स इन क्वांटम थ्योरी. अगर आपने उससे भी अगर आपने हाई स्कूल लेवल या लेमैन या जनरल पब्लिक ने या बच्चों ने पढ़नी है विदाउट एनी मैथमेटिक्स, तो ये किताब है. ये अभी अभी आई है, ये हमने अभी टेस्ट किया है यूके में हाई स्कूल स्टूडेंट्स को, और एंड दे पास्ड एन एग्जाम विच वॉज इक्विवेलेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी लेवल क्वांटम इन्फॉर्मेशन एग्जाम. द सेम क्वेश्चंस बट यूजिंग दीज काइंड ऑफ पिक्चर्स. और तो वो एक एजुकेशन एक्सपेरिमेंट था, वी आर गोइंग टू पब्लिश इट एट सम पॉइंट. तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच.